जी, आपने खास आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्यों बनाया? ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं है यजमान जी, जन्म कुंडली छे। कोड़ी फेंकता हूँ, शु आव्यु? नौ, नौ ने एक एक गुणिये नौ, नौ मा त्राणु मेरो बार, टोटल थई गयु। पंडित जी, चार नंबर आया। तुमको कोड़ी फेंकने को किसने बोला था? क्यों फेंका आपने? मुझे लगा ये जुआ खेल रहे हैं। यजमान जी, अपनी कुंडली के साथ खेलकर अपनी जिंदगी को खिलवाड़ मत बनाओ। ये साधारण मनुष्य की कुंडली नहीं है यजमान जी, ये कुंडली का मालिक कौन है? मेरी इकलौती औलाद। इसके पिताजी होने का गर्व बाद में कीजिए, क्योंकि कुंडली में शनि मंगल का गरबा हो रहा है। आपकी बात मेरे सिर के ऊपर से बाउंसर की तरह गई। लोग ग्रहों के हिसाब से अपनी चाल बदलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका बेटा ग्रहों की चाल बदल रहा है। पंडित जी, गोल गोल मत घुमाइए। मतलब शनि की साढ़े साती चालू हो गई, उसके नसीब पे बदनसीबी का छिड़काव हो गया। पेस्टिसाइड डाल दूंगा ना पंडित जी। पेस्टिसाइड से कीड़े मकोड़ों पर असर होगा, ग्रहों पर नहीं। आज तक इस घर में स्कूल की लाइब्रेरी जैसी पिन ड्रॉप साइलेंस थी, लेकिन आज के बाद न्यूक्लियर वॉर जैसे जबरदस्त धमाके होंगे। ओवर द विकेट चलने वाले ग्रह राउंड द विकेट चलने लगेंगे। मेरी बात याद रखना, ऑल आउट हो जाओगे तुम लोग। सच में? विश्वनाथ आनंद कभी चेस में और ये पंडित गैस में फेल नहीं हुआ। ध्यान से सुनो, एक ही बार बोलूंगा, तुम्हारा बेटा वो मिसाइल है जिसके रास्ते में आने वाला भस्म हो जाएगा। मैं रास्ते में नहीं आया तो जो आएगा वो होगा। आप उसे रोक सकते हैं या नहीं? वो खुद अपनी बर्बादी की तरफ दौड़ रहा है। पार करेगा उसकी मांग में मैं मौत का खून भर दूंगा, और अगर इस लकीर को धो के मिटाने की कोशिश की तो बरगद के पेड़ के नीचे तुम्हारी कब्र खोदूंगा। ए, तेरे बोल बचन में दम है पर हम यम हैं। ए जाबिर, वो दिखने में भोला भाला जरूर है, लेकिन वार करने में भाले से भी खतरनाक है। भय भी उससे कांपता है। ए, बॉस की बहन को भगाने वाले को अभी तक पकड़ा क्यों नहीं? पकड़ा उसे। अरे आगे किधर जा रहा है? अगर तूने लाइन रोकी तो ये बाबा तेरे डफली और मुंगी दोनों को जा देंगे। कहाँ है ये बाबा? अरे वो सामने बैठा डफली लेके। क्यों बैठोगी? ऐसा कौन है वो जो बाप जी के आदमियों को रोके? जब वो मुट्ठी बंद करता है तो तूफान भी कांपता है। जाबे, उसे सामने तो ला, हाथ से मसल दूंगा। वो मिट्टी की मूर्ति नहीं है जिसे हाथ से मसल दोगे, वो एक बॉम्ब है। टकराओगे तो चूर हो जाओगे। अबे जा, बुला दो ये डफली बाबा। तो डफर निकला। अरे भाई, तुम बाप बोलो। अरे मैंने कुछ नहीं किया, माफ कर दो मुझे। मैंने कुछ नहीं किया। कितने कराया उसने? मुझे ये नाटक करने के लिए बहुत सारा पैसा दिया था। ये देखो, इसमें से आधे रख लो और मुझे जाने दो। पर ये बता, ये कैसे उठेगा? खून नहीं है टमाटो केचप है, देखो असली लग रहा है ना। टमाटो केचप साले, तो सीधे से बता कहाँ भागा वो? सिपे, सीएनजी बचाने के लिए गाड़ी बंद मत करना, मैं लड़की ला रहा हूँ। नहीं तो चप्पल पहन के रेडी रहना, कड़ी नजर रखना।
बस बस थैंक यू। अब तुम लोग बाहर जाओ, मैं आती हूँ। ठीक है, जल्दी करना। ब्लूटूथ चार्ज है ना? तुम जरा जल्दी आओ ना। मैं आ गया। आप? मैं तो यहाँ। दूल्हे राजा? बजेगा उसका बाजा। मैं ही तो हूँ तुम्हारा दूल्हे राजा। तुम इतनी टेंशन में क्यों लग रही हो? और पीछे क्या है? आपके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है। अपनी आंखें बंद कीजिए। आंखें बंद कीजिए ना। आप खोलिए। मैंने आपके लिए एक स्पेशल परफ्यूम मंगवाया उल्लास नगर से। उल्लास नगर से? वहाँ की हर चीज मुझे पसंद है। खुशबू बदबू जैसी है। भाई आपकी बहन अपने आशिक के साथ रघु चक्कर हो गई। यात्रियों से निवेदन है कि वो चलती हुई ट्रेन में चढ़ने का प्रयास ना करें। यकीन नहीं करोगे, वेंकी किसी को हाथ लगाए बिना ही मुझे वहाँ से निकाल लाया। नीतू, पहले गांधी जी के बताए मार्ग पर चलो, वरना मार कर चलो। चलो चलो जल्दी चलो, स्लीपर क्लास है। सुन, मैं हैदराबाद में इनकी शादी करा के इन्हें आनंद अंकल के घर पे आनंद लेने के लिए छोड़ दूंगा। तू जाकर मेरे फट्टू बाप को इन्फॉर्म कर दे। हाँ, कर दूंगा। हम उन्हें नहीं पकड़ पाए भाई। अरे, घर से कोई मेरी बहन को उठा कर ले गया। हमारा ही कोई आदमी उसे मिला हुआ है। जल्दी बता कौन है वो। वो नीतू दीदी ही थी। हाँ बाप जी, नीतू दीदी की मर्जी के खिलाफ ऐसा होना नामुमकिन था। हे, जिसने उसे भगाया है उसके खानदान से, उसके माँ बाप भाई बहन जो मिले उसे उठा कर लाओ। जल्दी जाओ। जी भाई। से अभी अभी एक ब्रेकिंग न्यूज मिली है कि वारंगल पर राज करने वाले बाबजी की बहन का किसी अनजान युवक ने उसकी शादी वाले दिन पर अपहरण कर लिया है। इस घटना से पूरे वारंगल में तनाव का माहौल बन गया है और लोग इस घटना से होने वाले हिंसक घटनाओं को लेकर चिंतित हैं। बाबजी के आदमी उस युवक के फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लीजिए आपका जूस। ये खबर सुनी क्या? कोहली ने छक्का मारा? नहीं, किसी ने बाबजी के मुंह पर थप्पड़ मारा। शादी के मंडप से उसकी बहन को उठा कर ले गया। इस वक्त बाप जी का चेहरा देखने लायक होगा। इसकी परेशानी से हमें क्या? हाँ, क्या बात है, लुंगी डांस कर रहे हो? जींस देख ली क्या अंकल? बिल्कुल, बाप जी की बहन किसी के साथ भाग गई। पता है उसे किसने भगाया? कौन है वो? तुम्हारे बेटे ने। अंकल थोड़ी देर पहले लुंगी पकड़ के लुंगी डांस कर रहे थे, अचानक ये पुंगी कैसे बज गई? तेरी औलाद ने बजाई है पुंगी, कहाँ है वो? वो तो ट्रेन पकड़कर हैदराबाद निकल गया। बाप जी के गुंडे कुत्ते की तरह आपको और हम लोगों को ढूंढ रहे। अगर एक भी सबूत हाथ लगा तो गर्दन उड़ा देंगे। ऐसा क्या? सुनिए जी, आप क्या कर रहे हैं? ये आपने क्या किया? आज के बाद ये ना मेरा बेटा है, ना मैं इसका बाप हूँ। तुम भी इसके दोस्त नहीं हो, इसलिए निकलो यहाँ से, जाओ। हेलो मॉम। मेरा बच्चा, कहाँ है तू? घर से दूर हूँ माँ। मेरी बात सुन, तू अभी घर मत आना, मैं नहीं चाहती कि तुझे कुछ हो। अरे कितनी इमोशनल बनती है माँ। चल, मैं श्यामलाल के घर रहूंगा, ठीक है? बाय लागू। अरे श्यामलाल, 108 दिए जलाने से अच्छा है कि 108 वोल्ट का बल्ब जला। 108 दिए जलाना आसान काम नहीं। मेरे दादा कहते थे, लगातार 8 हफ्तों तक ऐसा करने से एक सुंदर पत्नी मिलती है। मैं तो कहता हूँ तू भी एक दिया जला ही ले, सुंदर पत्नी मिलेगी। इतना तेल गरीब की हंडिया में जलता तो बिरयानी बन जाती। ऐसा क्या, एक ना एक दिन तो मान ही लेगा। हे चंदू, इधर आ। अपने देश में बिजली की समस्या 70 साल के बाद भी हल नहीं हुई। कुछ तो दिखे।
जल गए, अब चले भगवान को गुड नाइट बोल के आती हूँ। से मारते हुए बहुत पीड़ा होगी, पर क्या करूं, मजबूर हूं। खत्म कर दो इसे शंकर, उसे बेरहमी से मत मारना, मजे लेके मारना। उसकी मौत में तुम्हारा जुनून दिखना चाहिए। मेरे अंदर बदले की आग को ठंडक मिलनी चाहिए। उसके मरे हुए शरीर को देखकर मेरे दर्द भी मर जाने चाहिए। हो तुम एक अकेले को पकड़ नहीं पाए। उस धोखेबाज ने एक सबूत नहीं छोड़ा जिसे हम उसे पकड़ सके। लानत है तुम पर। अरे तुम्हें पालने से अच्छा होता अगर मैं कत्ते पालता। लेकिन भाई, अब मैं बोलूंगा। मुझे लगा तुम घर जमाई बनकर मेरी बहन का ख्याल रखोगे, लेकिन वो तुम्हारी नाक के नीचे से उसे उठाकर ले गया। अरे कुछ तो याद होगा तुझे। एक बात बताओ उसके बारे में, मैं उसे उठाकर लाऊंगा। उस दिन चाइना फोन है, हैंग हो गया तुम्हारा। तो फोन कहाँ? अच्छा सिपी, गाड़ी लेकर पिछवाड़े के गेट से आगे आ जा, मैं पीछे से आ रहा हूं। हाँ, फोन याद आया, उसने मेरे फोन से किसी को कॉल करके गाड़ी लाने के लिए कहा था। रिंग जा रही है। सिप्पी हियर। हेलो हेलो, मेरे बब्बर शेर दो कौड़ी के बाबजी की बहन को उसके नाक के नीचे से उठा लिया। बाबजी की नाक ही काट दी। बाबजी की हो गई ना पौं, बच गई पुंगी, निकल गई हवा। अब फिर किसी को उंगली नहीं करेगा। ए, क्या बोलता है बे? ए, मैं हूँ बाबजी। ए, जिसने मेरी बहन को उठाया कौन है, वो किधर रहता है? मुझे उसका आता पता कुछ नहीं पता, मेरे बच्चे हुए बालों की कसम। ए, मरना है क्या तुझे टकले? मैं सच में नहीं जानता सर उसे, मैं तो हैदराबाद से पैसेंजर लेके आया था, फिर उस आदमी ने मुझे बुक किया लेकिन वो आया ही नहीं। ए, उसका फोन नंबर बता, फोन नंबर बता। मेरे पास उसका नंबर नहीं है सर। ए, उधर आके काट डालूंगा तेरे को। देना पड़ेगा वरना मेरा नंबर काट देगा। सर सर सर, याद करता हूँ। कोई भी नंबर चुनता देता हूँ। नंबर नोट करो सर। एक मिनट रुक। हाँ सब लोग नोट करो। 8977303799। भाई नंबर बिजी आ रहा है। अरे डायल करते रहना, तुम में से ढूंढ निकालूंगा उसको। बबलू, ये 100वां एपिसोड है। अभी तक हमने सिर्फ फैमिली ड्रामा दिखाया है, लेकिन गरीब ऑडियंस के लिए अब थोड़ा थ्रिल डालेंगे। पॉलिटिशियंस की तरह अमीर और गरीब में फूट मत डालो। मैं अकेला हीरो हूँ जिसे दोनों पसंद करते हैं। तू सीन समझावे। सीन यूं है कि कमाठीपुरा से तुम गुंडे की बहन को भगा कर ले जाते हो। फोन करके वो तुम्हें धमकी देता है कि मेरी बहन वापस है। क्या सीन लिखा है स्क्रीन पे, तो समझो आग लग जाएगी। मैं तुम्हें डायलॉग सुनाता हूँ। सीन में पंच है ना, तो डायलॉग की क्या जरूरत। करेक्ट। चलो बबलू को प्रोडक्शन का फोन दे। तू फोन देना यार। अरे क्या टाइमिंग है। चलो स्टार्ट कैमरा। हेलो। ए, मैं खोलता हूँ बाबजी, कौन है? मैं उबलता सितारा बबलू। बबलू के बच्चे, तेरी इतनी हिम्मत की मेरी बहन को उठा ले गया तू? बहन क्या सामने आता तो तुझे भी उठा लेता। बात नहीं करना मेरे से। मेरी बहन को छुआ तो याद रखना। छूना क्या, मैं तो उसका चुम्मा भी ले चुका हूँ। तुझे जिंदा जला डालूंगा। मुझे धमकी दे रहा है।
मैं चूहों की धमकियों से नहीं डरता, उबलता बबलू हूँ मैं। समय तो आजा, मैं अन्नपूर्णा स्टूडियो में हूँ। कसम खा, तेरी बहन की कसम। झूठ बोलेगा तो काट लूंगा। झूठ बोले तो मिठाई, सच बोले तो खटाई, कर ले मेरे साथ लड़ाई। कमाल कर दिया, क्या सीन है मेरे भाई। फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, डायलॉग के एक एक वर्ड में जान डाल दी। मैंने कहा था ना, सीन कैसा भी हो जान डाल दूंगा। वैसे फोन पे जो काउंटर दे रहा था वो भी दमदार था। कौन था वो? कोई जूनियर आर्टिस्ट था। जूनियर आर्टिस्ट? हाँ। एक्टिंग ऐसी कर रहा था जैसे वो पैदाइशी गुंडा हो। कैमरा फेस कर सकता हो तो गुंडे का रोल दे सकते हैं। अभी कहाँ है वो? थोड़ी देर में सेट पे आता ही होगा। आने दो, उसका ऑडिशन मैं लूंगा। वो बबलू किधर उबल रहा है? चल। कौन है बे? मेरी बहन कहाँ है? बहन की बात कर रहा है? लगता है अभी तक कैरेक्टर से बाहर नहीं आया। मुझे भी अपने कैरेक्टर में घुसना पड़ेगा। हाँ, यहाँ आने की गुस्ताखी कैसे की? बता मेरी बहन कहाँ है? नहीं बताऊंगा, क्या करेगा? ए, भोकट में मार क्यों रहा है? मेरा डायलॉग होने के बाद रिएक्शन दे। ओवरलैप क्यों कर रहा है? एक्टर पे हाथ उठाया? अकल नहीं है तेरे पास? मैं सीनियर हूँ ना। सीनियर होगा तेरे घर पे। तेरे काउंटर अच्छे लगे इसलिए तुम्हें यहाँ बुलवा लिया, और तू कान पट्टी दे रहा है? पता है जूनियर आर्टिस्ट को मैं अपने सामने खड़ा भी नहीं करता। अरे यार, मैं कहाँ है? कैरेक्टर से बाहर नहीं निकल सकता यार, अब तो कैमरा भी नहीं चल रहा है। ये तो सटकेला बबलू है। कहाँ है मेरी बहन? और कोई डायलॉग नहीं आता? कैसा एक्टर है, एक डायलॉग से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। पेज के पेज डायलॉग मिलेंगे तो तू कैसे सीन करेगा? ए जुलरी शॉप, तू समझा ना? तू क्या? उसको नहीं बोलेगा। तेरी बहन, तेरी बहन को मैंने भगा दिया। मैं भाई की बहन को भगा दिया, अब मैं तुझे चांदनी चौक दिखाता हूँ। मारो साले को। अबे डायरेक्टर, तूने आर्टिस्ट पाले हैं कि गुंडे? मुझे काटे इससे पहले कट बोल। अबे वो बहुत बड़ा गुंडा है, शायद तू उसका कैरेक्टर नहीं समझा। क्या नहीं समझा? अरे वो एक्टर है ही नहीं। हाँ? वरंगल का बहुत बड़ा गुंडा है, और उसे लगा कि तुमने उसकी बहन को अगवा कर लिया है, इसीलिए वो यहाँ आया। उसने मुझे सर्च कर लिया तो खर्च हो जाऊंगा। खर्च होने से पहले खुद को सेव कर लेता हूँ। तुम चलो, मैं आता हूँ। ये तो सीरियल का हीरो है। सर सर सर, मुझे माफ कर दीजिए सर। सर मैंने गलती से आपको जूनियर आर्टिस्ट समझ लिया था सर, मुझे माफ कर दीजिए सर। भाई ये बोलता सितारा एकदम ठीक बोल रहा है, उस बैगन वाली टैक्सी ड्राइवर ने हमें रॉन्ग नंबर देकर इस खजू को पिटवाया। अगर वो साला ड्राइवर मिल जाए तो बहन का भी पता चल जाएगा। चलो ढूंढते हैं। सर आज तक मेरी जिंदगी का कोई टारगेट नहीं था, लेकिन अब वो रॉन्ग नंबर वाला मेरा टारगेट है। हैदराबाद में मेरे फैन हैजे की तरह फैले हैं सर, मेरी मदद के बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे। हे, उठाकर गाड़ी में डालो उसे। कभी दामाद खाका, आज मुहूर्त चाट है, उतारो मुझे। अबे मुझे बाबजी से इतना डर नहीं लगता जितनी तेरी स्लो ड्राइविंग से लगता है। वैंकी, शाम को जल्दी घर आ जाना। क्यों? अरे पार्टी है ना। हाँ तो घर की सफाई करवानी है। कूल कूल कूल। सत्या की बहन आ रही है, भाग। ए, भाग जल्दी, भाग, निकल, भागो भागो भागो। लोग इतने डरे हुए क्यों हैं? और ये सत्या कौन है? ये शहर का डॉन, उसकी एक बहन है जो दिखने में कटरीना जैसी है लेकिन है कटीली नागिन। उसके चक्कर में मैंने लापड़ पापड़ झापड़ सब खा लिया है। डर के मारे तूने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। चल उसका दीदार करा। मरवाएगा क्या? अरे डरता क्या है, चल ना। इस देवी के दर्शन में मंदिर में कर चुका हूँ। ये लड़की मंदिर भी जाती है क्या? हाँ। वेंकटेश सर, इसको छोड़ दे, किसी और को ढूंढ ले, इसके चक्कर में मारा जाएगा। डरा क्यों रहा है? ये लड़की 36 इंच टीवी की तरह है जिसमें 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ हॉरर फिल्म चलती है, भूल जाए इसे। खून चूसू डायनों से मुझे प्यार है। इस हॉट वैम्पायर का नाम क्या है? चंद्रकला। चंद्रकला कब दिखाएगी मुझे अपनी कला? अबे ओ वेंकटेश, इसके हुस्न के जाल में फंसना मत, जरा इसका नेचर तो देख।
स्केल से सिर पर मारना है, जो दर्द सह नहीं कर पाएगा समझो वो हार जाएगा। अगर मैं जीत गया तो? ये तुम्हें किस करेगी? अगर ये हारा तो? तुम्हारा सर्वेंट बन जाएगा। बढ़िया सर्वेंट, माय फुट। रेडी स्टेडी गो। रेडी। अगर जोर से लगा होगा तो सॉरी। हाँ अब मेरी बारी। इसका फटका तो बड़ी जोर का लगा। ओ, लगी क्या? पता ही नहीं चला। कमौर, कमौर, तुम्हारी बारी। लगी तो नहीं? अब मेरी बारी। हाँ मैं तैयार हूँ। इतनी जोर का लकड़ी है ना? सेम सेम है। अरे सेम ही है। यार ये तुम लो और वो मुझे दो। ये मैं लेती हूँ। इससे ट्राई करो, मार के दिखाओ। अबे रुक। क्या हुआ डूड? बहुत दर्द हो रहा है तुम्हें? हार माननी क्या? हो ही नहीं सकता, सर से पांव तक फौलाद है। ओ हाँ हाँ। हाँ वो तो ठीक है, एक काम करो मुझे मेरे दे दो। What happened? दुख रही है। क्या दुख रही है? खोपड़ी। ओए, सांड जैसा शरीर है तो फिर दर्द कैसा? सांड को दर्द नहीं हो सकता क्या? अच्छे से समझ गया होगा, चंद्रकला से पंगा मतलब लाइफ में दंगा। एक बात तो कंफर्म है, ये आइटम मुझे बहुत भाग गई। उसका भाई तेरा कीमा बना देगा। एक बार जो मैंने फैसला कर लिया, फिर सामने उसका भाई हो या गहरी खाई हो, फर्क नहीं पड़ता। मेरे भाई को पता चला ना, तेरा भर्ता बना देगा। मेरी बहन को देखने वाला जिंदा नहीं रह सकता। ए, इसकी बॉडी का गिफ्ट पैक करके इसके भाई को पहुंचा दे। कुछ दिन और इनके साथ रहा तो डूबता बबलू बन जाऊंगा। रामू, फोन करके टेंशन मत बढ़ा, निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा कैरेक्टर किसी और से मत कराना। और सुन, अगर तूने मेरा कैरेक्टर शाहरुख या आमिर से करवाया ना, तो तेरी टीआरपी की वाट लग जाएगी, समझ ले। भाई, हमने सिप्पी की सारी डिटेल्स और इंक्वायरी निकलवा ली है, वो नकली, जाली और फर्जी भी है। बहन तक पहुंचने के लिए सिप्पी आखिरी उम्मीद है। सिप्पी का नंबर घुमा। रमेश सिप्पी की बात कर रहे हो? नहीं, टैक्सी ड्राइवर की। वो उसकी वजह से मैं शूटिंग से यहाँ पहुंच गया। सर, मुझे एक्टिंग टैलेंट दिखाने का एक मौका दीजिए ना। जल्दी का। हेलो, हेलो, हु इज दिस? नमस्ते जी, मेरा नाम अनुराधा है, आपका क्या है? मेरा सिप्पी आधा है। हाय सिप्पी, कांग्रेचुलेशंस, मैं सेलुलर सर्विस से बात कर रही हूँ। आपको 21 रुपए के छोटे रिचार्ज पर बम्पर ऑफर मिला है। सिप्पी जी, प्लीज अपना एड्रेस बताइए। मेरा एड्रेस लोगी? हाँ। आई एम सो लकी। जल्दी से लिखो। बताइए सर। प्लॉट नंबर 420 और ये एड्रेस है परेशान रोड घनचक्कर नगर। सर, ये बाप जी, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। क्या रे, पोस्टपेड वाले को रिचार्ज का ऑफर कब से आने लगा? उल्लू समझ के रखा है मुझे चुल्लू। मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। मैं मिस्टर हवा हवा ही हूँ, तुम हवा को कैसे पकड़ोगे? तू अपना फोटो भेज, फोटो भेज, भेज ना बे। फोटो देख के क्या शादी करेगा? मैं उस टाइप का नहीं हूँ रे। भेज, बोला ना। मौत को बुला रहा है, ले। भाई, गाड़ी रिपेयर होने में कम से कम 3 दिन लगेंगे। बोलो तो शोरूम से स्कोडा की लोरा उठा लूं। वो लोन का हफ्ता मेरे को परवड़ेगा नहीं। तू एक काम कर, काली पीली बुला ले। चलेगा क्या? मैं चलता नहीं, दौड़ता हूँ। बोलो कहाँ दौड़ना है? 4 दिनों तक जहाँ जहाँ कहेंगे वहाँ वहाँ चलना पड़ेगा तेरे को। ओके, अंदर घुसो, सीट पकड़ लो। तेरी आवाज जानी पहचानी लगती है। और मुझे आपकी पहचानी जानी लगती है। सर, आप तो टीवी सीरियल के हीरो बबलू हो ना? मैं आपका सीरियल रोज देखता हूँ, रिपीट टेलीकास्ट भी। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बकवास एक्टिंग। और नहीं तो क्या, 420वें एपिसोड में जब आपकी चूहिया मरी थी तो आपने ओवर एक्टिंग की। सब याद है।
तू गाड़ी चला। हे चंपू को देख, मजा देखना। हाय, ये क्या, तेरी जैसी इतनी सुंदर लड़की को इग्नोर किया? जाके चुल्लू भर पानी में डूब जा। वन मिनट, चंदू नाम है मेरा। ए चिकने, हेलो। चंदू, उसकी मुंह क्यों लग रही है? फर्स्ट टाइम है उसे। पहली बार किसी ने चंद्रकला की खूबसूरती पे थूका है। इसे तो मैं एड वाले कुत्ते की तरह अपने पीछे न चाहूंगी। तुम बस देख ही जाओ। यहाँ क्यों आया? किसी को फूल बनाने के लिए फूल ही सही जगह है। करे तुम्हें, हाँ? मैं जानती हूँ तुम मुझे अवॉइड करने की भद्दी एक्टिंग कर रहे हो। मेरे जैसा फिगर देखकर किसी भी आदमी का दिमाग माइक्रोवेव की तरह गर्म हो जाता है, और तुम खुद को रेफ्रिजरेटर दिखाने की कोशिश कर रहे हो। किस बात का घमंड है? अपनी सारस जैसी लंबी टांगों का या चमगादड़ जैसी भद्दी शक्ल का? हाँ? ए, जानता है मैं कौन हूँ? सत्या, उसकी छोटी बहन। जानती हो मैं कौन हूँ? कौन है बे? कौन है तू? एसीपी शंकर नारायण। 5000 एनकाउंटर्स, 500 ट्रांसफर, 200 मेडल्स एंड स्टिल अलाइव। सत्या का एनकाउंटर करने के लिए इस शहर में ट्रांसफर लिया है। मेरे लंबे चौड़े करियर में भीषण रैगिंग का केस तुम्हारे खिलाफ दर्ज हुआ है। दफा 143 लगा के तुम्हें जेल में डालूंगा। पुलिस के हाथ लंबे होते हैं, तुम मेरी लाठी से बच नहीं सकोगी। उस लड़की का चेहरा बंदर की तरह इतना सा हो गया होगा, मुझे तो सोच सोच के ही हंसी आ रही है। यार बचपन से मेरी ख्वाहिश थी थोड़ा बड़ा होकर मॉम पॉप को अच्छी सी बहू दूं। ये सब तो ठीक है, पर उसके दिल में जगह बनाई क्या? दोस्त, हर लड़की के दिल में अरमान होते हैं, बस उस अरमान को जगाने के लिए सही वक्त और टाइमिंग की जरूरत होती है। अरे चंद्रकला, वेंकी तेरा दिल चुरा लेगा, अपना चांस तो गया, अगले जन्म में ट्राई करेंगे। हाय। हाय, क्या हुआ? चेहरे पे 12:30 क्यों बजे हैं? कुछ हुआ क्या? नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं। हे चंदू, आज हमें एक नया बकरा मिला है। आप जाने दे बेचारे को, क्या रैगिंग करनी, किसी और दिन सही। छोड़ देना उसे। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, रैगिंग के लिए मना कर रही हो? मैंने कहा ना, रैगिंग का मूड नहीं है। रैगिंग करनी होगी, रैगिंग करनी होगी। नो। तो ठीक है, तुम खड़ी होके देखो, इसकी रैगिंग हम करते हैं। नाम क्या है तेरा? सीताफल मूंगफली फ्रॉम कांदीवली। तुझे किस टाइप की फिल्में पसंद है? बिना सर पैर की रोमांस वाली। ए, हॉरर और रोमांस को मिक्स करके दिखाओ। सालों से नहाई नहीं हो तुम, तो मासूम कली हुआ करती थी, अब भूल कर गोभी का फूल हो गई हो। उस कब्रिस्तान में मुझे अकेला छोड़कर तुम उस छोरे भूत के साथ वहाँ पर पेड़ पर उल्टा लटकी हुई थी, क्या तुम्हें अच्छा लगता है ये सब? मेरी नाक कटा दी तूने? मैं अभी तक कैरेक्टर में हूँ। तुम लोगों ने मुझे सीन करने के लिए कहा था, ये कॉलेज है भैंसों का तबेला? इस छोटे से बच्चे पर इतना अत्याचार हो रहा है, कोई आएगा मुझे बचाने के लिए? क्या चल रहा है यहाँ? वो को छोड़ के यहाँ पे सब कुछ चल रहा है। धरने से बालक को मार कर ये चुड़ैले उसका खून चूसना चाहती थी। ए, तू बालक नहीं सड़ा हुआ पालक लगता है। सर, ये लड़कियाँ हम जैसे नन्हे मुन्ने बच्चों पर हुस्न का अत्याचार करती हैं। तेरे जैसे मोटे कद्दू पर भी? हाँ। नन्हे मुन्ने भोले भाले बच्चों को टॉर्चर करते हो तुम सब? हार्डकोर क्रिमिनल्स बन चुके हो। लोकेशन शिफ्ट। चंदू,
कॉलेज में सब ठीक है ना? वैसे तो सब ठीक है। अच्छा? कोई एसीपी शंकर नारायण है। हा? बहुत तंग करता है सबको। भैया से शिकायत करती हूँ। रुको रुको, एसीपी शंकर नारायण वो तो हमारा ही आदमी है। तुम्हें पता नहीं है क्या, सरकार उसे जितनी सैलरी देती है ना, उससे ज्यादा तो हम उसे रिश्वत देते हैं। उससे तो मैं ये बात करूंगा, इतने छोटे काम के लिए भैया को डिस्टर्ब मत करो, लीला सब संभाल लेगा। अब जाओ, बेफिक्र होकर बिंदास जाओ। नमस्ते मैडम, मैं हूँ एसीपी शंकर नारायण। क्या कहा? आप एसीपी शंकर नारायण हैं? जी हाँ मैडम, आपने भाई से शिकायत की कि मैं आपको परेशान कर रहा हूँ। लेकिन उस दिन तो कोई और... जरूर कोई गलतफहमी हुई है, मैं भैया से बात कर लूंगी, आप जा सकते हैं। शुक्रिया मैडम। क्या यार, अगर उस फेक एसीपी के बारे में बता देते तो वो उसकी खाल उधेड़ देते। कूल डाउन। मछली को पकड़ने के लिए कांटे का इस्तेमाल किया जाता है, और मछली पकड़ने के बाद उसे काट कर उसमें मिर्च और मसाला भरा जाता है। वो तो आ गया। सब लोग ऐसे बिहेव करो कि हम उसकी असलियत के बारे में कुछ भी नहीं जानते। ओके ओके। नमस्ते एसीपी साहब। नमस्ते साहब। अबे गॉडविन, जरा चाय लेकर आना, मलाई मार गया। मेरा हांडा फूट गया। हमने इतने दिनों में गाना भी सीख लिया है कि नहीं? हाँ सर, सीख लिया। गाकर सुनाए? चलेगा। पोल खुल गई, वाट लग गई, एक नकली पुलिस वाले की खाट खड़ी हो गई। ओके ओके, तो तुम्हें पता चल गया है कि मैं नकली एसीपी हूँ। सही कहा, झूठ सामने आ गया। मुझे चीट करने की कोशिश की। मैं सत्या की बहन हूँ, याद रखो। तुम्हारे खून से अपने नेल पॉलिश कर सकती हूँ। लेकिन मेरी बात तो सुनो चंदू जानू। चंदू, हम इतने क्लोज कब से हो गए? मुझे मेरी बात तो पूरी करने दो। तू कोई नेता है जो भाषण देता रहेगा और मैं सुनती रहूंगी? अब मेरी बात सुन। सॉरी बोल, सॉरी बोल, इसी वक्त सॉरी बोल। मेरी बात तो सुनो चंदू। शाला मत बन, तेरा असली रूप सामने आ चुका है। वर्दी की स्त्री खराब मत कर, उतार इसे। देखो, छोटे पौधे, कांच की गुड़िया और लड़कियां तभी अच्छी लगती है जब वो सेंसिटिव और क्यूट होती हैं। लड़की हो, अपने हद में रहो, पैसों के घमंड में सबको अपने पैर की धूल मत समझो। चलो फेस पे थोड़ा स्माइल रखो। सराउंड में क्या साउंड आया था? कुछ टूट कर गिर गया था। तुम्हारी इजाजत हो तो मैं निकलूं? हाँ, वो गुस्से में है। हाँ, इसीलिए डर लग रहा है। हाँ, तेल लगा लेना। जाओ, जल्दी जाओ। चलो चलो। ए बंटी। हाँ भाई। उस येड़े को फोन लगा। हाँ, वो बैगन मिले की घंटी बज रही है। हेलो। हेलो हेलो। क्यों चिल्ला रहा है? ड्राइविंग करते समय फोन नहीं उठाने का समझा क्या? ठुकवाएगा क्या? सामने देख। अबे किधर है तू, बता जल्दी। बोल, हार गया, ढूंढ नहीं पाया। अरे तुम मिलेगा तो तुझे। ए, ये काव काव किसी कौवे के सामने करना, मैं तो किंग कॉन्ग हूँ। एक बात सुन ले, मैं तुझे कुत्तों को खिला दूंगा। मॉर्निंग वॉक से बीपी कंट्रोल होता है, कम खाने से फैट कम होता है, मुझे और वाइफ को चैलेंज करने से लाइफ कम होती है। तुझे ढूंढ कर कॉकरोच की तरह मारूंगा। ढूंढो ढूंढो, मेरे बाप का कह जाता है डूड। पैसा और गाड़ी का पेट्रोल तो तेरी जेब से जा रहा है, यू स्टूपिड फूल। भाई उसने फिर बोल दिया। हाँ बताओ, कहाँ जाना है? हमें किसी को ढूंढना है। किसे ढूंढना है? उसे ढूंढ के पूछेंगे कि किसे ढूंढना है। अरे क्यों नहीं ढूंढते जिसे ढूंढना है? क्योंकि हम उसे नहीं जानते। उसे जानने वाले को ढूंढो। हम उसे भी नहीं जानते। तो फिर ढूंढते रह जाओगे। मंदिर में शायद डालडे के दिए जलाए होंगे, इसलिए इतनी टेंशन हो रही है। क्या हुआ कल्लू? चंद्रकला को थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी? मामू, कुछ लोगों के दिल फूलों से पिघल जाते हैं, पर मेरा फूल वो फेंक देती, इसलिए शॉक ट्रीटमेंट दिया। मेरा लव को अप्रोच करने का अलग तरीका है। और फिर अगर उसने अपने भाई को अप्रोच किया और फिर उसके गुंडों ने हमें अप्रोच किया तो आगे। चंदू को तूने छेड़ा है ना? आप किसकी बात कर रहे हो? ओ, तो इसका निकनेम चंदू है। मुझे दो चीजें देखना बिल्कुल पसंद नहीं। ये कुछ ज्यादा ही पका रहा है। पहली तो चंदू की आंखों में आंसू, और दूसरी चंदू के मुंह में थर्मामीटर। बंद कर अपने मुंह का शटर। तेरी वजह से उसकी आंखों में आंसू आए, जाकर उसे सॉरी बोल। अरे पर मैंने आपकी बेबी को नहीं छेड़ा। मैंने कहा ना जाकर सॉरी बोल, तुझे कुछ ज्यादा ही समझ में आ रही है, जाकर सॉरी बोल। ये लड़का मजबूत है या पोल कमजोर है? लड़के को मजबूत समझने में ही समझदारी है, वरना बहुत पड़ेगी। सुनती हो, चंदू को जिसने छेड़ा था
उसे मैंने समझा दिया है, अब वो उसे कभी परेशान नहीं करेगा। लास्ट वार्निंग दे दी है, मैं लंच के लिए आ रहा हूँ, मच्छी फ्राई करके रखना। क्या घूर घूर के हम सबको देख रहा है? पिछले 10 सालों से हम हर रोज जिम जाते हैं, समझा क्या? लोगों को मारने के लिए जिम की नहीं जिगर की जरूरत होती है, जो तुझ में नहीं है। एक अंदर की बात बताऊं तुझे, मैंने चंदू को बिल्कुल नहीं छेड़ा, बस कान के नीचे जोर से रख कर दिया। ये क्या है चंदू, तुम कहती हो कि उसने तुम्हें छेड़ा और वो कहता है कि उसने तुम्हें कान के नीचे रख कर दिया। बिना क्लैरिटी के मैं उससे बात कैसे करूं? वो मुझे थप्पड़ क्यों मारेगा, उसने मुझे छेड़ा था, उससे बहस करने की जरूरत ही नहीं है, जाकर चमाट लगा। तुम्हारी बात को सच मानकर अगर हमने उसे पीटा तो वो थप्पड़ मारने वाली बात सच हो जाएगी। हाँ सोचो तो, वैसे उसे मारना कोई बड़ी बात नहीं। मारो मत, उससे सिर्फ सॉरी बोलने को कहो, बस इतना ही ना, मुझ पर छोड़ दो। बच गया, बोल झुक गया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं झुक गया। मैं तो सड़क पर गिरे हुए पैसे उठाने के लिए भी झुकता नहीं, स्लिप डिस्क हुआ है। मेरी सलाह मान और छोटे से मैटर को आगे मत बढ़ा, जा चंदू को सॉरी बोल। अले इतनी ची बात है मुन्ना, तो मैं अभी बोलता हूँ। हाँ मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ और ये मेरी खिल्ली उड़ा रहा है। चंदू जानू, आई लव यू। व्हाट? अब भैया को बोलूं क्या? उसको नहीं बोला है, तुम्हें बोला है। हाँ तो चंदू, इसने सॉरी बोला या नहीं? हाँ बोल दिया, चलो यहाँ से। शुक्र है बच गया। हेलो, कहाँ से गा रही हो? एड्रेस दो, चिल्लर पार्टी के हाथों चिल्लर भेज दूंगा। तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या, कुत्ते कमीने? जब तुम गुस्सा करती हो तो तुम्हारी आवाज बिल्कुल कोयले की इंजन जैसी लगती है। ऐसे घटिया डायलॉग बोल के ही लड़कियों को फंसाते हो ना, ठरकी बुड्ढे। मेरा फोन तो लगा ही नहीं। तेरा मैं मर्डर 3 करूं? हेलो, जरा दूर जाकर बात करेंगी, आप मुझे डिस्टर्ब कर रही है। मेरे सामने आया ना तो टेटवा दबा दूंगी। ये चामुंडा उस बेचारे को छोड़ेगी नहीं। सर अगर आपकी इजाजत हो तो एक बात कहूँ। बको। सर स्मार्टफोन का एक नया ऐप आया है, उससे जिसका फोन है उसकी लोकेशन पता चल जाती है। प्लीज सर एक मौका दीजिए, मैं अभी साबित कर दूंगा। हाँ जल्दी का क्या है? बोलिए सर, नंबर बोलिए। ए नंबर बोलो जल्दी। हाँ, बोलो। 9868 सर एक बार फिर से बोलिए। 9828 2840 भुला दिया। सर एक बार फिर से बोलिए। 9828 2480 उसे फोन दे देना, नंबर पढ़ लेगा वो खुद। ये लो लिख लिया ना, तो जाओ वहां जाके बात करो। फोन काट दिया तो हम क्या नाचे? सर कनेक्ट हो रहा है सर। सर वो इस वक्त मदनपुरा में है। मदनपुरा में? हम भी मदनपुरा में हैं। और इसी बिल्डिंग में है सर। इसी बिल्डिंग में है? इसी बिल्डिंग में। बिल्डिंग में कहां पर है पता कर? अभी बताता हूं। जल्दी कर, जल्दी बता। थोड़ा सबर रख, अभी बताता हूं। डेव्स कैफे। डेव्स कैफे लगा रखा है, ये देखो पीछे। हमने उसे ढूंढने को कहा, तू हमें ही ढूंढ रहा है। तेरे फोन की तो तेरा फोन। चलो कहीं और चलते हैं। सर सर आप यहाँ क्यों आए? अरे मिस कॉल कर देते, मैं आ जाता। एयरपोर्ट जा रहा था, सोचा अपनी बहन से मिलता चलो। हाय भैया। अरे कहाँ हो तुम? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, गूगल सर्च भी मारा। आई लव यू। तुमने भाई के सामने कहने कहा था ना, सिर्फ तुम्हारे भाई के सामने नहीं पूरी दुनिया के सामने कहूंगा। आई लव यू। इसका नाम पूजा गोटे नहीं, चंद्रकला है। हैं? चंद्रकला? हाँ। वन मिनट। अरे श्यामलाल मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पूजा गोटे को आई लव यू बोलने के बजाय किसी चंद्रकला को आई लव यू बोल दिया। बापू बोलिए। क्या रे, बिना कंफर्म किए तो किसी भी लड़की को आई लव यू कैसे बोल सकता है? शक्ल से जितना छू दिखता उतना है नहीं, फेसबुक प्रेम भैया। लोग अपने नाम के साथ किसी और का ब्यूटीफुल फेस चिपका देते हैं, इसी से मैं कंफ्यूज हो गया ना भैया, सच्ची मुच्ची भैया। मुझे माफ करने के लिए थैंक्स भैया, अपनी बहन का ख्याल रखना, इन्हें तो कोई भी आई लव यू बोल देगा।
अपना ख्याल रखना बहना। मैं किसी काम से दिल्ली जा रहा हूँ, 4 दिनों बाद लौट आऊंगा, ठीक है? ओके बाय। थैंक गॉड भला टली। हे, मेरी एक्टिंग कैसी लगी? शेर की तरह एंट्री मारी, केचुए की तरह सिकुड़ गए, बिल्कुल दम नहीं था। शिकार जब तुम्हारी तरह हॉट हो तो भूखे शेर को झुकना पड़ता है। मेरी बातें तुम्हारी तरह थोड़ी लंबी है, आओ बैठकर डिटेल में समझाता हूँ। कितना भी ट्राई कर लो मैं इंप्रेस नहीं होंगी। तुम एक बात अच्छी तरह जानती हो, तुम्हारा दिल मेरे नाम से धड़कने लगा है। चंदू नाम है मेरा, चंपू पे फिदा नहीं होंगी। गलतफहमी है तुम्हारी, सुबह से लेकर शाम तक मेरे साथ एक पूरा दिन गुजारो, लिख कर देता हूँ तुम मुझ पर फिदा हो जाओगी। अगर नहीं हुई तो मैं अपनी चिकनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। ओके? क्यों, क्या सोच रही हो? जवानी में पैर लड़खड़ाने से डर लग रहा है? मैं तैयार हूँ। ऑल द बेस्ट टू मी। तुमने उसे यहाँ क्यों बुलाया है? उसे लगता है कि मैं उस पर फिदा हो जाऊंगी। देखना, पूरा दिन मेरे साथ गुजारने के बाद वो शाम को हॉस्पिटल में दिखाई देगा। पर करूंगी क्या? जरा वहाँ पर देखो, चेन्नई एक्सप्रेस देखिए। हाँ। शाहरुख खान दीपिका को उठाकर मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ता है। तो क्या तुम उसे उठाकर मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने वाली हो? वेंकी मुझे उठाकर 1000 सीढ़ियाँ चढ़ेगा। पर उससे क्या होगा? एकदम बुद्धू हो ना, तो ये कोई फिल्म है और ना ही वो कोई शाहरुख खान। मंदिर पहुँचने से पहले ही वो भगवान के पास पहुँच जाएगा। ए, वो आ गया, देखो वो आ गया। हाय। हाय। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? आज पहला सोमवार है और सोमवार को मैं मंदिर आती हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम दोनों साथ में ऊपर चलें? ओह, मेरा प्यार पाने के लिए भगवान से आशीर्वाद लेना चाहती हो? ए, वेरी फनी। चलो चुपचाप। हाँ हाँ चलो। क्या हुआ? मेरा पैर फिसल गया, अब मैं चल नहीं पाऊंगी। वापस चलें? कैसी बातें कर रहे हो, इतनी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद अब वापस कैसे जाऊँ? तुम क्या सोच रहे हो, कहीं ये तो नहीं कि मुझे उठाना पड़ेगा? करेक्ट, अगर तुम्हें ऑब्जेक्शन ना हो तो उठा कर ले चलो। लेकिन मुझे रास्ते में मत छोड़ना वरना मेरी पूजा अधूरी रह जाएगी। तुम्हारा प्यार मेरे लिए पूजा है और पूजा बीच में नहीं छोड़ते। आओ। कम ऑन, तुम्हारा वेट कितना है चंदू? 53। ऊपर पहुँचते पहुँचते मैं 53 किलो का हो जाऊंगा। भारी तो नहीं हो ना? बहुत थक गई। अरे चलो चलो, बस पहुंच ही गए। अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए उसे अपनी बाहों में उठा कर लाए। आप दोनों की जोड़ी राम सीता जैसी है, सदा सुखी रहो बच्चों। देखा तुमने, तुम्हारी जज्बातों की कदर करके उसने तुम्हारी झूठी मन्नत भी पूरी कर दी, इसका मतलब वो तुम्हें चाहता है चंदू। चंदू जल्दी आओ, देर हो रही है। चंदू, हमारी शर्त पूरी हो चुकी है। मैं जान गया हूं तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं, अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा।
अरे कोई दीवार कूद कर अंदर आया क्या? हाँ। चल चल कर देखते हैं। वो रहा, लगता है फूल चुराने आया है। तू क्या रे, लोग दिन के उजाले में भी इस घर की तरफ देखने की हिम्मत नहीं करते और तू यहाँ आधी रात को दीवार कूद कर चोरी करने आया? मजबूरी है भैया, रैगिंग का शिकार हूँ। रैगिंग? हाँ भैया, मुझे बैटमैन की तरह दीवार फांद कर अंदर भेजा गया। कहा कि गार्डन से लाल गुलाब तोड़ना, स्पाइडरमैन की तरह दीवार पर चढ़कर चंदू को देना। कितना टॉर्चर हो रहा है ना मुझ गरीब पर। चंदू ने करने के लिए कहा? हाँ भैया, चंदू ने जो कहा वही फाइनल। चलो ऊपर चढ़। दीवार बहुत लंबी है, कैसे चढ़ूं? टेंशन नहीं, हम है ना। चंदू सच में रैगिंग में एक्सपर्ट है। दीवार पर चढ़ने की सजा दी है, मेरे पंटर उसे ऊपर चढ़ा रहे। इसके ऊपर पहुंचते ही मैं डिनर के लिए घर पे आ जाऊंगा। डबल ऑमलेट बना कर रखना। भैया यहाँ से चढ़ना मुश्किल हो रहा है, सीढ़ियों से जाओ। इस वक्त तो स्पाइडरमैन है, ऐसे जाना पड़ेगा। चंदू का ऑर्डर है। कुछ मीठा नहीं, 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 मीठे में कुछ मत बनाना। कान के नीचे दूं क्या? मुझे मारो। नहीं नहीं, तुमसे नहीं कह रहा डार्लिंग। चलो पंटर लोग महफिल जमाते हैं। थैंक्स भैया। हाय, वेलकम। हाय। हाय। अगर वो लोग देख लेते तो मार डालते। तुम्हारे बॉडीगार्ड्स? हाँ? आओ मैं तुम्हें कुछ नमूना दिखाता हूँ। कालू भैया, भैया। अरे यार ये फिर से डिस्टर्ब कर रहा है, क्या हुआ? गुलाब नीचे रह गया। नीचे रह गया? अरे ढूंढो यार, जल्दी से ढूंढो। वहाँ देखो। फेंको फेंको। थैंक्स भैया। एकदम जॉन्टी रोड्स। भाई फोन पता है, बीवी का है, बजने दे। तुम्हारे बॉडीगार्ड्स मुझे गार्ड कर रहे हैं। पर कैसे? तुम मेरी रैगिंग कर रही हो। मैंने हाय भेजा था, तुम भी मैसेज में हाय भेज देते। सिर्फ दोस्ती होती तो मैसेज करता, सच्चा प्यार है इसलिए रिस्क लिया। भैया को पता चला तो जान ले लेंगे। अगर दोस्त के लिए अपनी जान पर खेल सकता हूँ तो सच्चे प्यार के लिए जान नहीं दे सकता। तुम्हें मौत का खौफ नहीं है? जिसे प्यार हो जाए वो मौत के खौफ से बेखौफ हो जाता है। क्या तुम्हें प्यार से डर लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं लग रहा, सच्चा प्यार करने वाले कभी नहीं डरते। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? वेंकी, प्यार से मुझे लोग वेंकी बुलाते हैं जान। ए, ये तो सीरियल हीरो बबलू है ना? यस, उबलता बबलू नाम है मेरा। हाँ पता है, तूने भानुमति के साथ जबरदस्ती क्यों की? भानुमति? कौन भानुमति? ओ आप मेरे मैं तोता तू मेरा सीरियल की बात कर रही है? उसके साथ जबरदस्ती करने की तो मुझे सुपारी मिली थी। उसके साथ ऐसा क्यों किया? पैसे के लिए तो किसी के साथ भी कर सकता हूँ। ओह शिट! भाई वो बैगन की औलाद बार बार मेरा फोन काट रहा है। मैंने लोन दे रखा है इसलिए फोन चालू रखा है, वरना कभी का नंबर चेंज कर देता है। लगता है इस कॉलर का क्लाइमैक्स चेंज करना पड़ेगा। सर गुड मॉर्निंग। सर क्या हुआ बे? मुझे आपकी थोड़ी मदद चाहिए सर। अरे तू तो मेरी गैंग का मेंबर बन गया है और इन कपड़ों में शरीफ भी लग रहा है, बोल क्या चाहिए? कोई वाहियात आदमी मुझे रोज फोन पर तंग करता है, आप उसकी मरम्मत कर दो ना सर। उसको यहाँ बुला, वार्निंग देते हैं। कई बार दी, उसके ऊपर जूं तक नहीं रेंगती। बड़ा बदतमीज और ढीठ आदमी है आपकी तरह। इसका करना क्या है? क्या बताऊं? उसकी हालत पतली कर दो। इतना बड़ा ब्रश लेके उसके मुंह के अंदर घुसेड़ 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 के ऊपर से फिनाइल डाल के फ्लश कर दो। उसका पूरा सिस्टम क्लीन होना चाहिए। सुबह दोपहर शाम टॉयलेट के चक्कर काट काट के ऊपर चला गया। फोन लगा, फोन लगा, उधर से बात कर। भाई उस खजुए बैगन सिप्पी का फोन आ रहा है। मुझे दे, मैं बात करता हूँ साले से। हेलो, ए सिप्पी, 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 करता रहा है मेरे नाम का जाप, पुण्य लगेगा। हे, इस वक्त कहाँ है तू बे? मैंने यही सवाल पूछने के लिए तुझे फोन किया है। तू कहाँ है बे? वैसे तो आज तुझे धोबी घाट लेके धोने का मूड है, लेकिन तेरे जैसे फालतू के लिए मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है। तू एक बार सामने आ जा, तुझे काट के खा जाऊंगा मैं। ए बाप जी, चक्कू खरबूजे पर गिरे या खरबूजा चक्कू पर, कटना तो खरबूजे को ही होता है। अरे तू सामने आ, तेरा पत्ता काट दूंगा मैं। पत्ते गिरे तो कुत्ते भी खेलते है रे। क्या रे, हो गया ना कंफ्यूज? मैं रोज अपनी गली के कुत्तों के साथ गेम खेलता हूँ, बॉल फेंकने का। कहाँ फेंकू बॉल? इंदिरा पार्क। इंदिरा पार्क? ओए मैं भी अपने कुत्तों को यहीं घुमाने लाता हूँ, ज्वाइन करेगा? ए, मैं अभी इंदिरा पार्क में हूँ, तू किधर है? मैं भी उसी पार्क में हूँ, तू कहाँ है? लुका छुपी खेल रहा है क्या? ए, पुतले के पीछे खड़ा हूँ मैं। मैं उसी पुतले के सामने खड़ा हूँ रे। अरे तो सामने आ। ए, बाहुबली को फोन पर इन्विटेशन देकर अपनी मौत को ललकार रहा है। तेरी बदतमीजियों का गिन गिन के बदला लूंगा। असली मर्द है तो बंद करिए चेस। रुक मैं अभी आता हूँ। फेस टू फेस। भागना नहीं उधर से।
हिम्मत है। सिप्पी बाबजी 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 तेरी तो ए कमीने साले गधे की औलाद, बिना ढक्कन के बदबूदार गटर, काले कौवे की टूटी हुई चोंच तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। उंगली की ना तो उंगली तोड़ के नाक में घुसेड़ दूंगा। तेरे जैसे सड़े हुए बैंगन का भरता खुजली वाला कुत्ता भी नहीं खाएगा। छिपकली की टूटी हुई पूंछ, बाथरूम के लीकेज फ्लश। ये साला टैक्सी वाला इस सिप्पी निकला। इस सिप्पी ने तो मेरी टीआरपी ही गिरा दी। गिरा दो इसको भी। बता वो कौन था और इस वक्त कहाँ मिलेगा वो? सर वो कहाँ मिलेगा मैं नहीं जानता, लेकिन उसके पप्पा का पता मुझे पता है। तो ले चल हमको वहाँ। ये है सत्या, रियल एस्टेट की। हाय, वी हैव डन सो मेनी प्रोजेक्ट्स इन मुंबई एंड दिल्ली, सो वी वांट टू एस्टैब्लिश अ न्यू वेंचर्स इन हैदराबाद। वाह, बहुत बढ़िया। फॉर दैट वी नीड योर सपोर्ट सर। भाई मैटर बहुत सीरियस होते जा रहा है, ये कई दिनों से चंदू के साथ घूम रहा है। ए, हाँ भैया। इसका नाम राशन कार्ड से कट जाना चाहिए, वरना तुम सब का नाम कट जाएगा। भैया इसका राशन कार्ड के आधार कार्ड भी कैंसिल करा था। वेंकी मैं तुम्हारे साथ बेफिक्री से घूम रही हूँ, भैया ने देख लिया तो? अरे जब देखेंगे तब सोचेंगे। अरे जल्दी चलो ना। अरे भैया के आदमी हमारा पीछा कर रहे हैं, जल्दी चलो वेंकी, जल्दी करो। चंदू अरे बहुत चिपक रहे हैं दोनों, फेविकोल का मजबूत जोड़ है। देखो वो हमारा ही पीछा कर रहे हैं, लगता है उन्होंने हमें देख लिया है, जल्दी चलो। डार्लिंग चेस सीन में हूँ, बाद में फोन कर रहा हूँ। उसने राइट का इंडिकेटर दिया है, तू राइट पे घुमा रहे। भगा भगा भगा। अरे अरे तो छिटेंगे, राइट का लेके लेफ्ट में भगा, आरटीओ में कंप्लेन करूंगा। अबे टकले देख के नहीं चला सकता क्या? लेकिन चुप, छोड़ूंगा नहीं मैं उस हीरो को, अभी दिखता हूँ। हेलो भैया, मुझे डर लग रहा है, भैया को हमारे बारे में पता चल गया। एक ना एक दिन उन्हें पता चलना ही था, इतनी टेंशन क्यों लेती हो? तुम बैठो, मैं कॉफी का ऑर्डर देकर आता हूँ। ओके। लड़की को उठा कर लाओ। लुखे जब तक मैं क्रीज पर हूं आने वाली हर बाउंसर को बाउंस करके बाउंड्री के बाहर भेज दूंगा।
तुमने मेरी बहन को मारने की कोशिश की। चंदू बापजी की बहन है। ये मेरे कलेजे का टुकड़ा है, जो उस पे हाथ उठाएगा मैं उसे दुनिया से उठा दूंगा। आप नहीं जानते कि ये किसी लड़के से प्यार करती है? हैदराबाद में मैंने इसे पढ़ाई करने के लिए भेजा था सिर्फ आपके भरोसे पे, और आपने भरोसा तोड़ दिया। इसके पीछे कौन सा लड़का है और इसके जान के पीछे कौन से दुश्मन है आपको कुछ भी पता नहीं? शंकर इस तरह से इस पर हमला करेगा ये मैंने सोचा भी नहीं था। सामने से लड़ाई नहीं कर सकता इसलिए पीठ पीछे वार कर रहा है। ऐसे में हमको और भी चौकन्ना रहना होगा। हमें चंदू को उसकी पहुंच से दूर रखना होगा। इसे किसी से प्यार भी हो गया है, इसे कैसे रोकोगे? दीदी की गलती मैं नहीं दोहराऊंगी भैया, आपकी रजामंदी के बिना मैं शादी नहीं करूंगी। कुछ मत बोलो तुम। मैं भरत से तुम्हारी दीदी की शादी करने वाला था लेकिन वो भाग गई। अब मैं 8 दिन के अंदर तुम्हारी और भरत की शादी करवाऊंगा और उसे दिया हुआ वचन पूरा करूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं, समझे? सत्या, ये चाहे किसी भी लड़के से प्यार करती हो वो जिंदा नहीं बच सकता। बिना उसकी गर्दन काटे मैं इस शहर को नहीं छोड़ूंगा। ध्यान से सुनो, अगर हमने भैया से कहा कि हम उसे ढूंढ नहीं पाए तो भैया हमारा राशन कार्ड से नाम कटवाएंगे और उसे ढूंढने दोबारा भेजेंगे। इतनी धूप में कौन भटकेगा? इसलिए हम कहेंगे उसे टपका दिया। भैया हमने उस लड़के को टपका दिया। हाँ भाई, शाबाश। भैया उस लड़के को लेकर बाबजी की सारी टेंशन खत्म कर दी हमने। बाबजी को टेंशन सिर्फ उस लड़के का नहीं, कोई और भी है। और कौन? एक आदमी जो जानता है कि शंकर हमारा दुश्मन है, जिसने चंदू को मारने के लिए शंकर को अपने साथ मिला लिया। कौन है वो? वारंगल का केशव रेड्डी। जो मेरे लिए काम करता है उसके लिए 100 खून भी माफ है, लेकिन मेरे खिलाफ काम करने वाला गद्दार कहलाएगा। या तो वो गद्दार अपना नाम बताए, नहीं तो 10 मिनट में मेरा फोन बजेगा और बाप जी को मेरा प्लान किसने लीक किया पता चल जाएगा। अगर ईमानदारी से अपना नाम बताओगे तो जीवन दान मिलेगा, नहीं तो गीदड़ की मौत मरोगे। भैया ओए मिश्रा, काम हो गया, फोन काट दे। भैया 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 मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई भैया। भैया माफ कर दो भैया, मैंने आपका नमक खाया भैया। इस घर का नमक खा के वफादारी बाबजी से करते हो? माफ कर दो भैया। मेरे घर के चारों तरफ एक दीवार खड़ी है, मेरे चारों तरफ मेरे आदमी हैं, दोनों का मजबूत होना जरूरी है। ले चल। माफ कर दो भैया, माफ कर दो। है अपनी वफादारी दिखाने का दूसरा मौका भी खो दिया। लास्ट चांस, खुद को मार, खुद को मार। भैया भैया क्या है? अभी अभी खबर आई है कि बाबजी की बहन दोबारा घर लौट आई है। मौत से बचकर कोई कहां तक भागेगा?
कैसे हो तुम लोग? हम लोग तो ठीक है। ए, पहले तू बाबजी की बड़ी बहन की शादी कराने यहाँ से चला गया था और अब दोबारा आया उसकी छोटी बहन से शादी करने के लिए। तेरा मकसद क्या है यार? शादी के बाद उसके बच्चों का बाप बनने का रे। तू मैं मरवाना चाहता है क्या? जिस पर तेरा दिल आया वो बाबजी की बहन है, तूने उससे प्यार क्यों किया? मैंने बाबजी की बहन से प्यार नहीं किया, जिससे प्यार किया वो बाबजी की बहन निकली, मैं क्या करता? चाहे हम बम पर गिरे या फिर बम हमारे पर गिरे, फटना तो हमें ही पड़ेगा। बाबजी के गुंडे हर जगह तुझे तलवार लेके ढूंढ रहे हैं। अगर उन्हें पता चला कि तू उनकी छोटी बहन से शादी करने वाला है तो वो तेरा मर्डर ही कर देंगे। तू चाहता क्या है? मुझे उन्हें अपनी स्टाइल से मनाना पड़ेगा। वो नहीं माने तो लड़के लेकर रफो चक्कर हो जाऊंगा। तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? तुम्हें किसने कहा कि मैं जीएम क्लब में जुआ खेलने जाता हूँ? तुम्हारे बेटे ने। गुस्से से मत देखिए, सुसू आती है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम पप्पू पापा राव है, प्यार से लोग पप्पी कहते हैं। एक मिनट, क्या इन्होंने मेरा नाम पूछा? सर, मेरा नाम सिपे सालार है, प्यार से सिप्पी कहते हैं। क्या काम करते हो? सुबह पूजा में ब्रेक लेके ब्रेकफास्ट करता हूँ, फिर रेस्ट करता हूँ, उसके बाद लंच ले। मतलब ब्रेकफास्ट करने के बाद रेस्ट करता है, रेस्ट करने के बाद फिर से ब्रेकफास्ट करता है, यानी सिर्फ खाता है और आराम करता है। ज्यादा भंकस की ना तो खटिया खड़ी कर दूंगा। हे, अब जल्दी बता तेरा बेटा कहाँ है? वो हैदराबाद में कहीं छुपा हुआ है, लेकिन मुझे उसका पता नहीं पता। मैंने उसके पापा होने के सारे सबूत मिटा दिए, उसका नाम जायदाद में से भी हटा दिया। ये सब करने के बाद मैं उसका बाप कैसे हुआ सर? यानी तो सीधी तरह से नहीं बताएगा कि वो कहाँ है? वो कहाँ है हम नहीं जानते सर, इसकी कसम। सर, मरे हुए को मारने से क्या मतलब सर? और कितना सर खाएंगे सर? जब तक इसका बेटा नहीं मिलता तुम दोनों यही सड़ोगे। भाई, मिनिस्टर के फंक्शन में जाने का टाइम करीब आ गया है। नमस्ते। नमस्ते बाबजी, कैसे हो? सलाम कबूल करो। लड़की के साथ इतने सारे बॉडीगार्ड हैं, उससे बात करना इम्पॉसिबल है। हे, सब लोग होशियार रहना। थैंक यू। अगर किसी ने चालाकी दिखाई तो उड़ा देंगे। स्माइल प्लीज मैडम, आपसे कह रहा हूँ, स्माइल प्लीज। मैडम, कैमरे की तरफ देखकर एक बार स्माइल तो कीजिए। मैं तुम तक पहुंचता उससे पहले तुम्हारा भाई तुम्हें ले जा चुका था। लेकिन तुम यहाँ कैसे? मैं इसी शहर में रहता हूँ। एक बात बताओ, हैदराबाद में तुम्हें मारने की कोशिश किसने की थी? कौन थे वो लोग? तुमने कभी केशव रेड्डी का नाम सुना है? मैं उसे जानता हूँ, वो फंक्शन में आया है। उसी केशव ने मुझे मारने की कोशिश की थी। पर क्यों? मेरे भैया और केशव रेड्डी एक दूसरे के दुश्मन है। उसकी और हमारी फैमिली के बीच पता नहीं कितने सालों से झगड़ा चल रहा है। एक दिन केशव रेड्डी अपनी बहन और रिश्तेदारों के साथ हमारे घर पर आया था। मेरी बहन ने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा। उसकी इच्छा है कि वह तुमसे शादी करे। कहती है कि वो तुम्हारे बिना मर जाएगी, इसलिए अपनी दुश्मनी को भुलाकर मैं तुम्हारे घर आया। मेरी बहन से शादी कर ले बाबजी। मैं तुम्हारी बहन को पहले भी कई बार। भैया ने माँ को वचन दिया था कि हम दोनों बहनों की खातिर वो शादी नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने रेड्डी को घर से जाने को कहा। मेरे घर से बस। केशव रेड्डी की बहन इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने आत्महत्या कर ली। ओए बाप जी, तूने अपनी बहनों की खातिर मेरी बहन की जान ली। जब तक मैं तेरी दोनों बहनों की जान न ले लूं, चैन से नहीं बैठूंगा। मेरे भैया ने हम दोनों बहनों को माँ का भी प्यार दिया है,
कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी, पर दीदी ने अपने स्वार्थ के लिए भैया का दिल दुखाया, वो किसी के साथ भाग गई। दीदी से ज्यादा गुस्सा तो भैया उस इंसान पर है जिसने दीदी को भगाकर उनकी शादी करवाई। भैया उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चंदू, मुझे कुछ कहना है। चलो यहां से चलते हैं। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने, जाने अनजाने में खुद को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। अगर मेरे भैया को पता चला कि मेरी दीदी को भगाने वाले तुम ही हो, तो वो हमारे प्यार को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और मैं उनकी मर्जी के खिलाफ शादी नहीं करूंगी। मेरे भैया ने हमारे लिए अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर दी। दीदी की वजह से भैया को कितने ताने सहने पड़े। मैं दोबारा ये गलती नहीं दोहराऊंगी। एक बहन होने के नाते तुमने जो कहा वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, पर एक लवर होने के नाते मुझे भी कुछ करना होगा। ए सुबेदार, तुम गाड़ी का यू टर्न मारो, मैं अंदर से यू टर्न मार के अभी आया। नमस्ते। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरी छोटी बहन की शादी के लिए कोई अच्छा सा मुहूर्त निकालेंगे? तुम अल्ट्रा मॉडर्न पंडित को अवॉइड करके यू आर कंसल्टिंग सम देसी लोकल ज्योतिष, और जब उससे काम नहीं बना तो झक मार के यू हैड टू कॉल मी, एम आई राइट ब्रो? ऐसी कोई बात नहीं है, उस वक्त आप गरबा खेलने के लिए अमेरिका गए हुए थे। जस्ट फॉरगेट इट बाबजी, थर्स्टी होने पर मिनरल वाटर पीते हैं, यू डोंट ड्रिंक फिनाइल जूस, करेक्ट ब्रो? एक फेवरेबल मुहूर्त तो निकला है, पर लोकेशन में लोचा है। मतलब? सिंपल है, तुम्हारे घर के वास्तु के हिसाब से माल तो तुम्हारे पास बहुत है, लेकिन तुम्हारे अखे घर में शांति में से नो पीस ऑफ माइंड। साफ साफ हिंदी में बोलिए पंडित जी। जब तक तुम इस घर में रहोगे तुम्हारी बहन की शादी होना मुश्किल है। वो क्यों? बहुत ही हार्डवर्क और स्ट्रगल करके तुमने इस घर का फाउंडेशन रखा है, इम्पोर्टेड चीजों से इसको डेकोरेट किया है, लेकिन वास्तु पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया ब्रो। वास्तु फॉलो करना पड़ेगा। नाउ पे अटेंशन, तुमने वेस्ट साइड को वेस्ट कर दिया, नॉर्थ को निग्लेक्ट कर दिया, इसलिए ईस्ट एंड साउथ ओवरलोडेड, और तुम्हारी बहन को कैंसर है। क्या बोला? हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? बंटी बावली। तो गर्लफ्रेंड का नाम बबली बावली होगा। सुनो हम्टी डम्टी, ये बीमारी वाला नहीं राशि वाला कैंसर है, कर्क राशि। और इस राशि से कैलकुलेट करके बता सकता हूँ कि अब तक वो किसी लड़के के लव में पड़ चुकी होगी। सही कहा। ये एज प्रॉब्लम नहीं है माय ब्रो, वास्तु प्रॉब्लम है। कोई उपाय बताइए ना। मेरी मानो तो जल्दी से दूसरे घर में शिफ्ट हो जाओ, एक ऐसा घर जिसके ईस्ट डायरेक्शन में बहुत बड़ा ब्लू कलर का स्विमिंग पूल हो, एंट्री करने के लिए एक बहुत बड़ा डोर हो, एंटर करते ही राइट साइड में लेफ्ट साइड में स्टेप्स होने चाहिए। इतनी सारी कंडीशंस बता दिए, घर भी तुम्हें ढूंढ के दे दो। आपके बैड लक का एक और फैक्टर ये भी है, ये हम्टी डम्टी, इसे घर के आसपास ज्यादा घूमने मत देना। सी यू। हे, जैसा पंडित ने बोला वैसा ही घर ढूंढो। रानी मेरी हुई। तुमने रानी ले ली और वो मेरी जान ले लेगा। अबे इतना डरता क्यों है तू? मुझे तुमसे ना और नो कहना चाहिए था जब तुमने मुझे नैनो दी। कूल नैनो जी कूल। मैं तो कोल्ड ड्रिंक की तरह कूल ही हूँ, पर वो बाबजी जब मुझे खोल देगा तब क्या होगा? घबराओ मत, मैं सब संभाल लूंगा। तुम क्या क्या संभाल लोगे? अगर बाबजी को भनक भी लग गई कि मैंने चूरन दिया है तो नैनो में मेरी अर्थी निकालेगा वो। क्या यार, अगर बारूद के ढेर पर बैठकर माचिस की तीली से खेलोगे तो धमाका तो होगा ही। मौत की खटिया पे सबको लेटना है, आपका नंबर फर्स्ट आता है तो इसमें घंटा किसी को फर्क पड़ता है? पंडित, अब बाप जी का तेरे घर पे गृह प्रवेश तो पक्का है। आगे देखते जाओ, गेम तो अब शुरू है। क्या हुआ तुझे? मेरे बदन को आटे की तरह गूंदा रे। बादल गरजेंगे तो रेन होगा, और जब बाबजी मारेंगे तो पेन होगा ही ना। रेन होगा तो छाता ले, पेन होगा तो पेन किलर। अभी बकवास तुकबंदी बंद कर, वो सांड आता ही होगा। तेरा बेटा कहाँ है बता दे, और हम दोनों की जान बचा ले। पता होता तो भी नहीं बताता। मैंने सोचा वो मेरा नाम रोशन करेगा, पर उसने अंधेरा कर दिया। उसके वजूद के सबूत जला डाले मैंने, इसलिए फोटो भी नहीं दिखा सकता। मेरे पास एक धांसू आइडिया है। कौन? मेरे पिताजी की
जवानी की एक फोटो है मेरे पास, ये रही वो फोटो, ये बाबजी को जाकर दिखा देना और कहना कि यही तुम्हारा बेटा है। वो बेवकूफ गधा मान जाएगा और हम पर विश्वास करके हमें प्यार से विदा करेगा। अगर ये प्लान कामयाब रहा और हम यहाँ से निकल पाए ना, तो दोनों बैंकॉक जाकर डिंग डोंग करेंगे। ओ, अच्छा शॉट था सर। क्या है राहु केतु साथ में? आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्या है? रात को हम दोनों ने बड़ा डिस्कशन किया, फिर सुबह उठ के एक छोटा सा डिसीजन लिया। कौन सा डिसीजन? जितना मैं अपने बेटे से प्यार करता हूँ ना, उससे कहीं ज्यादा आपको अपनी बहन से प्यार है सर। आपका प्यार बहुत ही पावरफुल है सर, इसलिए हम आपको उसकी फोटो दिखाएंगे। तुम दोनों सच बोल रहे हो ना? हमें ये पता नहीं कि आदमी मंगल ग्रह तक पहुँचा या नहीं, लेकिन इसके जरिए आप मेरे बेटे तक जरूर पहुँच जाए। हाँ। तेरे बेटे की शक्ल इससे क्यों मिलती है? क्या है सर, चार मीनार चार मीनारों से बना है, ताजमहल में भी चार मीनारे हैं, इसे चार मीनार ताजमहल थोड़ी बन जाता है। सही कहा, समझ में नहीं आता तुमने मुझ पर जो एहसान किया है उसका शुक्रिया कैसे अदा करूं। आज से तुम दोनों आजाद हो, जाओ। सर, इतने दिनों तक आपके घर की डिलीशियस बिरयानी खाने के बाद यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है ना? ये क्या पप्पी, फिल्म पसंद आई इसलिए फिल्म खत्म होने के बाद हम थिएटर में नहीं रुक सकते, ये हमें जाने के लिए कह रहे हैं ना, चलो चलो जल्दी। तुम दोनों में बहुत ही आराना लगता है, लगता है तुम दोनों ने डिंग डोंग कुछ ज्यादा ही किया है ना? सर, आप तो अंतर्ज्ञानी हो सर। अगली बार मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की तो डिंग डोंग के लायक नहीं छोड़ूंगा। तुझे कह रहे हैं, सुना सर ने क्या कहा? चलो वापस अंदर। हाँ, जा रहे हैं सर। भाई, जैसा घर चाहिए था वैसा मिल गया, पंडित जी के मुताबिक आज घर शिफ्ट करना शुभ होगा। वेलकम सर, वेलकम टू माय हाउस सर, सॉरी योर हाउस। वेलकम मैडम। तुम क्या? ये कौन? ये इस घर का मालिक है, ये भी हमारे साथ यहीं रहेगा। वो चनिया मनिया को भी लाओ। ये किसके घर ले जा रहे हैं हमें? अरे किसी के भी घर ले जाए, हमारे बाप का क्या जाता है, हमें तो मुफ्त की रोटियां तोड़नी है। ये क्या, तेरे पापा भी आ रहे हैं, राज से पर्दा हट गया तो? पीटर, अगर वो राज से पर्दा हटाएंगे तो हम दूसरा पर्दा डाल देंगे। वेलकम वेलकम प्यार की झप्पी। ये सब क्या है पप्पी? वेलकम जादू की झप्पी। अरे ये झप्पी तो कुछ जानी पहचानी लग रही है। अब आप ये मत कहना कि आप कटरीना और सनी से रोज मिलते हैं। आइए आइए अंदर आइए। पहली बार ससुराल आई हो, दाएं पैर से एंट्री मारना। आजा आजा। बहुत अच्छा। आओ ना। ये घर मेरे पापा को लॉटरी में मिला है और इंटीरियर सट्टे के पैसों से हुआ। आवाज सुनी सुनी लग रही है। अरे कर क्या रहे हो? लगता है इनके कान पे पट्टी बंधी, इसलिए ठीक से सुन नहीं पा रहे। अभी तो सिर्फ कनपट्टी पे पट्टी है, सालों को इतने फटके पड़ेंगे कि पूरी बॉडी की पान पट्टी बन जाएगी। शुभ वास्तु वाले घर में अशुभ बातें क्यों? इस टॉपिक को छोड़िए, आगे बढ़िए। आवाज हट, लेडीज फर्स्ट। हे सिप्पी, धक्का क्यों मारा उसे? पर हम तो नजर बंद है ना, अभी कोई टकराया कोई लेडी थी क्या? ए बंटी। हाँ भाई। इन्हें किसी अंधेरे कमरे में रखना। ठीक है भाई। अरे लाइट चली गई। सिप्पी, लाइट चली गई है, यही सही मौका है, यहाँ से भाग चलते हैं। चलो चलो चल चल चल। अरे यहाँ से मेरा घर 1 किलोमीटर ही दूर है, मतलब तुम्हारा घर भी नजदीक मेरा भी। ठीक है, अब तुम यहाँ से सीधे अपने घर जाओ, मैं पैदल हैदराबाद चला जाऊंगा। अरे रुको रुको, इतनी दूर आ गए हो तो अब मेरे घर भी चलो। क्यों, शादी है क्या? नहीं, नहीं मैं जा रहा हूँ। अरे घर चलकर खाना खाओ, रात को आराम करो और सुबह फिर चले जाओ। और ये मिलेगी। पप्पी, न लाइट है न मैप है, फिर भी सीधे अपने घर पहुँच गए। शेर को गुफा में पहुँचने के लिए लाइट और मैप की जरूरत नहीं होती। सही बोला। इस वक्त बाबजी का चेहरा देखने लायक होगा। चुप करो, हम अपनी सक्सेस सेलिब्रेट कर रहे हैं, उस मवाली का नाम मत लो। तार की तरह लंबा है लेकिन अकल घुटने में है, इसलिए हमने उसको उल्लू बनाया। सॉरी 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 सॉरी, नाउ लेट्स सेलिब्रेट आवर सक्सेस। हमारी जोड़ी जयवीरू की तरह हिट है। तुम यही रुको, मैं तंदूरी चिकन और कीमा फ्राई बनवाने का ऑर्डर देता हूँ और पहनने के लिए लुंगी भी लाता हूँ। रुको मिस्टर सिबी, लपेट ले।
लाइट गलत टाइम पे आ रही है। तुमने तंदूरी चिकन और कीमा फ्राई का ऑर्डर दिया है ना? बोल सकता हूँ क्या? ये किसके घर ले आया हो हमें? इस काले सांड को किसी के भी घर में कभी भी घुसने का पासपोर्ट या वीजा मिला है क्या? मैं भी यही सोच के सोच ये बताओ भाग के वापस क्यों आए? हम दोनों कहीं नहीं भागे सर, वो लाइट चली गई थी ना, इसलिए मोमबत्तियां लाने गए थे बाजार से। गलती से पहुंच गए हाईवे। गलती से आ भी गए। गलती हो गई या रास्ता भटक गए? हमारा भाग भागने से दूर भागता है सर। ए, तेरा बेटा मिलने तक तुम दोनों ने भागने की कोशिश की तो दोनों के सर कटवा दूंगा। हमने किसी और की फोटो ली और उसे इसका बेटा बना दिया, लेकिन आपने पकड़ लिया फौरन। अगर हम ऐसे किसी राह चलते आदमी को इसका बेटा बना देंगे तो... सर मन में एक डाउट है सर, अगर वो इसका बेटा है कहूंगा तो आप क्या करेंगे सर? दोनों का सर कटवा कर सिगड़ी में डाल दूंगा। सच बोलू या झूठ, ये तो मेरा सर काटने पे तुला है। आप यकीन करें या ना करें, लेकिन सच तो ये है कि आप इसी आदमी की तलाश कर रहे हैं और यही इसका बेटा है। अबे लुच्चे टुच्चे, ये तो क्या बकवास कर रहा है? मैं इनकी औलाद कैसे हो सकता हूँ? कहाँ इनकी हाइट, कहाँ मेरी हाइट? ये टिंगू मेरा बाप कैसे हो सकता है? सिर्फ हाइट की बात पर क्यों अटक गए हो? जया बच्चन की हाइट कम पर अभिषेक बच्चन लंबा है, क्या वो दोनों माँ बेटे नहीं है? ए बनकर तेरी बकवास कब से देख रहा हूँ, जा रहा है। सर का घर अपवित्र था इसलिए यहाँ है। कल को आप सर को मेरा साला बना दोगे? बकवास बंद करो। सर आप इन्हें शक की नजर से मत देखिए, चल मेरी फैमिली फोटो देखने चल। इन्हें देखने? अरे तू क्या मेरा बाप भी देखेगा? नाड़ा खींच। ये मैं हूँ, ये मेरा बाप, ये दादा। इसमें तुम्हारी माँ क्यों नहीं है? माँ ने ही फोटो खींचा है। सर ये तो ये कोई फिल्म नहीं जो ट्रिपल रोल हो। ए, तुम दोनों झूठे नंबर वन हो, फोटो झूठी नहीं हो सकती, तुम दोनों को। चले दीजिए सर, बूढ़ा सठिया गया है, साले धरती पर बोझ है, इसको घर के काम दे दो ना, नौकर की कमी। बर्तन मांजो, चलो। हर बात पर अंदर फिकवा देता है। ये क्या ड्रामा चल रहा है? तुम इन लोगों को इस घर में क्यों लेकर आए हो? पापा मैं चंदू को आपकी बहू बनाना चाहता हूँ। पापा आप मेरी सेटिंग से अपसेट हैं? नहीं बेटा, प्रेम तो एक तपस्या है, लेकिन अगर बाप जी को पता चला तो तुम दोनों की ये तपस्या भंग हो जाएगी। वो पहले से उस आदमी पर गुस्सा है जिसने उसकी बहन को भगाया। अगर उसे पता चला कि वो तुम ही हो तो? सही वक्त आने पर मैं बाप जी को बता दूंगा, मुझे यकीन है कि वो मान जाएंगे। लेकिन बेटा ये बताइए कि आपको मेरी पसंद कैसी लगी? एलईडी लाइट लेकर घूमेंगे तो भी ऐसी बहू नहीं मिलेगी। मुझे अच्छी लगी बेटा। थैंक यू पापा। पप्पी पप्पी। हाँ आ रहा हूँ सिप्पे। चलो चलो अंदर। ये सब क्या चल रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। तुमसे दूरी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी इसलिए तुम्हें यहाँ शिफ्ट किया। तुम्हारे भैया मुझसे बदला लेना चाहते हैं, देखना वो बहुत जल्द हमें आशीर्वाद देंगे। फिलहाल तो तुम कुछ दिनों के लिए आई हो, बहुत जल्द मैं तुम्हें इस घर की रानी बनाऊंगा, बनोगी ना? अरे वेंकी, अरे बाथरूम के नल में पानी नहीं आ रहा यार। पंडित जी, जैसा आपने कहा था वैसा वास्तु वाला घर मैंने ढूंढ लिया है, अब सब कुछ अच्छा होना चाहिए। बाप जी, जो ट्री दिन में ऑक्सीजन देता है वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड देता है ना, वैसे ही वास्तु वाला घर भी कभी कभी देरी से रिजल्ट देता है। ए, इतना बड़ा पेट लेकर यहाँ पर क्यों खड़े हो? वहाँ जाओ, चलो गो। झमाल घोटा देना पड़ेगा। पंडित जी, अब इस घर से मेरी बहन विदा हो जाएगी ना? जब शादी होगी वो यहीं रहेगी। क्या कहा तूने? शादी के लिए उसका यहीं रुकना जरूरी है, इतना टेंशन क्यों लेते हो ब्रो? दुल्हन यहीं पर है, दूल्हा भी यहीं पर है। दूल्हा? अरे पंडित जी, दूल्हा मैं नहीं हूँ, ये हैंडसम है। मेरी सिस्टर होती तो इस हैंडसम से शादी करवाता, इसका फेस वास्तु ठीक नहीं है। आपके सिस्टर हीरोइन जैसी है, उसके लिए ऐसा हीरो चाहिए, इसका फेस वास्तु परफेक्ट है। पंडित जी अपनी बकवास बंद करो और मेरी बहन की सगाई का कोई शुभ मुहूर्त निकालो। इस महीने की 9th को एक वेरी गुड मुहूर्त है, उसी दिन एंगेजमेंट कर दीजिएगा। शुक्रिया पंडित जी। थैंक यू। मैं हूं ना? मैं भी यही हूँ, देखता हूँ कैसे शादी करता है। भाई भाई, हमें खबर मिली है कि केशव रेड्डी हम पर हमला करने का प्लान बना रहा है, शादी तक हमें बहुत ही ज्यादा होशियार रहना पड़ेगा। ए,
जो डर गया समझ मर गया। मेरे साथ रह के कभी डर ना मत। सर आपके पास ना डर है ना दिमाग। हाथ तोड़ के रख दूंगा। घर में बकरा हो तो आदमी मटन खरीदने बाजार क्यों जाएगा कभी। अबे ओए बात को जलेबी की तरह गोल गोल मत घुमा, पॉइंट पे आ। सर ये पप्पी यादव की फैमिली DDLJ फैमिली की तरह है। वो अपनी फैमिली के लिए बहुत सेंटिमेंटल है। अगर उसकी बीवी को यहाँ बुला के उसके सामने घुमा के चाटा मारे तो सच अपने आप उगल देगा और मेरा भी 15 अगस्त हो जाएगा। कमीने सिप्पी तू मुझसे पंगा लेगा? तेरे आइडिया में दम है। 55 से 55 तक सर। बंटी भाई पापा राव की बीवी को उठा कर लाना और सिप्पी की बीवी। अगर वो नहीं बोला तो कम से कम तू तो मुंह खोलेगा। मैं तो अब तक कमा रहा हूँ सर। लेकिन सर इफ यू डोंट माइंड एक अच्छी सी लड़की ढूंढ के मेरी भी शादी करवा दीजिए। मैं दहेज में खुद जाने को तैयार हूँ सर। चल अब निकल। हाँ। संतोष हाँ भाई पापा राव की बीवी को कहीं से भी ढूंढ कर लाओ। ठीक है। सब तैयार है? 1 2 3 4 1 2 स्ट्रेच स्ट्रेच योर आर्म्स। ऑलराइट ओके फिर से करेंगे। 1 2 1 कौन है? 2 सिप्पी की बेटी है क्या? उसकी इकलौती बीवी है। क्या बीवी है? ए पानी मार। डन फॉर द डे यू कैन गो। ये तो कटीली सेक्सी नागिन है और वो हटेला काला सपेरा। बीन कैसे बचती होगी यार? अबे घनचक्कर उस बुढ़े की बीन पिचक गई है इसलिए तो ये यहाँ थिरक रही है। इसे नई बीन की तलाश है। क्या मैं मिस्टर बीन बन जाऊं? एक्सक्यूज मी क्या चाहिए सेक्सी? आपके सहयोग के 2 मिनट चाहिए। ले लो। माय नेम इज वेंकी। मैं हमसा सिप्पी हूँ। नाइस नेम। प्लीज चौंकना मत आपका सिप्पी सपेरा मुसीबत में है। मेरा सिप्पी टपक तो नहीं गया? अब मैं क्या करूं? जैसा कहूं वैसा करो। कोई खास खबर पप्पी? बेजान विस्की वाला के भविष्य का कॉलम पढ़ रहा। अच्छा या बुरा? 100% अच्छा ही होने वाला है। मेरी जिंदगी में 25 साल की कन्या आएगी जो मेरी लाइफ में बाहर ना आएगी। मेरी जिंदगी में सब कुछ नया नया ही होगा। इस बुढ़ापे में नई चीज का अचार डालोगे? अगर यही हाल रहा तो तुम्हारी बीवी भी तुम्हें नहीं लगने लगेगी। कहाँ हो जी? मेरी बीवी यहाँ कैसे पहुँच गई? जानू मैं आ गई। दो मसाला दोसा साथ में चटनी। जानू आप ठीक हो ना? तुम तो गोलगप्पे की तरह हुआ करते थे, ये पिचक के पापड़ी कैसे बन गए? कौन है ये? उसकी बीवी है भाई, हमारे लड़के लेकर आए हैं। I miss you, darling. ये क्या कर रही है आप? हैं कौन? मैं आपको नहीं जानता। यहाँ पे ये सब क्या ड्रामा चल रहा है? कैसा ड्रामा सर? ये तुम्हारी बीवी है मैं जानता हूँ। मेरी बीवी? ओह देखिए सर मैं टेंशन में था इसलिए अपनी बीवी को भी नहीं पहचान पाया। तुम अचानक इतनी पतली कैसे हो गई और रंग भी काला पड़ गया? दरिया की जगह नाप तोल क्यों कर रहे हो? सर जी कहाँ है बदसूरत बूढ़ा बौना और कहाँ है कमसिन कुमारी कली? आप जैसा गधा ही इन्हें हस्बैंड वाइफ कहेगा। सही कहा। ये सिप्पी मेरा प्लान चौपट कर देगा, मुझे ही कुछ करना होगा। ये तो क्या इतना हल्ला बोल कर रहे हो? क्या कंफ्यूजन है? ये इनकी थर्ड वाइफ है। शी इज माय लविंग वाइफ। कमसिन और जवान औरत का बेटा इतना बड़ा और लंबा कैसे? इस थरकी बुढ़े को जवानी में हर औरत ने रिजेक्ट किया। इसकी नियत शुरू से ही गंदी थी। या तो ये खुद गधा है या आपको गधा समझ रहा है। हो सकता है इनका बेटा पहली पत्नी का आउटपुट हो। वही ना। हाँ ये पहली वाइफ से है और मैं इसे बेटे की तरह प्यार करती हूँ। मुझे सच सच बता कि इसका बेटा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। अगर वो मिल जाए तो मेरी बहन भी मिल जाएगी। बता कहाँ है वो? मैं नहीं बताऊंगी। बता। सर सर इसे मार मारिए कली मुरझा जाएगी। वाइफ को मारने पर वो सब सच उगल देगा। तूने कहा था ना वाइफ आखिर वाइफ होती है चाहे किसी की भी हो। खामोश बकवास बंद। सुनिए ये सब मैं आप ही के लिए कर रही हूँ, मैं इन्हें कुछ नहीं बताऊंगी। आप टेंशन मत लीजिए। I love you। बोल कहाँ है वो? नहीं बताऊंगी। जवाब दे। बोल। सर सर औरतों पर हाथ उठाना अच्छी बात नहीं है, बात करके मसला सुलझा लीजिए ना। संतोष हाँ भाई मैं इन दोनों को 2 घंटे का वक्त देता हूँ, दोनों को एक कमरे में बंद करके सच बोलने को मजबूर कर दो। सर दोनों को एक ही कमरे में क्यों बंद कर रहे हैं? दोनों अलग अलग कमरे में रहकर भी इस बारे में सोच सकते हैं। ये तेरी बीवी है जो तू इतना टेंशन ले रहा है? जब तक ये उस लड़के का पता नहीं बताती
तब तक ये इसी के कमरे में रहेगी, ले जाओ इसे। चल चल रे। क्या ये भी तेरा प्लान था? अच्छा लगा क्या रे? मेरी बीवी के बारे में गूगल सर्च मारा क्या? फेसबुक फ्रेंड्स हैं हम। मेरे अंदर सोए हुए जानवर को मत जगाओ जानी। चूहे के जागने से शेर को फर्क नहीं पड़ता। सिप्पी, पप्पी की बीवी चिकनी चमेली से भी ज्यादा चिकनी लगती है। जी करता है उसे स्विट्जरलैंड या शिमला लेके चलो। हमेशा ऊपर से देखा करो उसे। वहां से भी बॉम्ब है। अरे यार, किसी दूसरे की बीवी के बारे में ऐसी गंदी बातें नहीं करनी चाहिए। तू तो ऐसे नाराज हो रहा है जैसे तेरी पर्सनल बीवी हो। बीवी आखिर बीवी होती है। वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ जानू, बहुत दिन से गले नहीं लगाया। अगर किसी ने देख लिया तो? देखता है तो देखने दो। आखिर पति बनने वाला हूँ तुम्हारा, अब तुम्हारा सारा बोझा मैं उठाऊंगा। 50 ग्राम वजन ज्यादा लग रहा है। ससुराल की रोटियां खा के वजन बढ़ रहा है मैडम। oh my God, नहीं। शर्म का घूंघट खोलो ना, खोलो ना। एक पप्पी दो ना। ओए पप्पी झप्पी क्यों? घर की पवित्रता को भांग क्यों बना रहे हो? किसी ने देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कौन देखेगा? कोई भी। कैसे देखेगा? क्या ककड़ी रेस्ट हो रहा है? अरे ककड़िया खा लो, आंखें खोलो। भरत तुम तो खोलो। छोड़ सिपी, छोड़। ने कहा है चाहे भूकंप भी आ जाए तभी आंखें मत खोलना। आंखें खोल के देखो, भूकंप तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा है। आपको एंगेजमेंट का फंक्शन है, मुझे अच्छा दिखना है। एंगेजमेंट होगी तो अच्छा दिखोगे ना, जिससे होने वाली है वो तो एंगेज है। तुम्हारी आंखों पर ककड़ी का पर्दा पड़ा है। कहो तो तुम्हारी आंख पर भी रख दो एक ककड़ी। तुम मकड़ी का जाल बुनोगे मेरी आंखों पर ककड़ी रख के? डार्लिंग कहाँ हो तुम? वाओ, she's sexy. कितनी हॉट है, काश मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए। काश मेरी सगाई से होती, शादी करके सीधा हनीमून पे ले जाऊं। मेरे लिए? नहीं, मेरे हस्बैंड के लिए। आ? वो तो मैं हूँ। पतिदेव खाइए ना। काश में चम्मच होता। सब अपनी आंखों पर ककड़ियां रखो, जल्दी रखो। चंदू चंदू कहाँ जा रही हो? एक मिनट मेरी बात तो सुनो। वैंकी, क्या हो रहा है? देखे ना सर, शाम को इसकी एंगेजमेंट है, सब वहां पर फेशियल करवा रहे हैं लेकिन ये करने को तैयार नहीं है। लगता है ये शादी से खुश नहीं है। ये फेशियल नहीं करेगी तो भी इसकी सगाई आज ही होगी 100%। चल मेरे साथ। देखा तूने पप्पी, शाम के फंक्शन का फायदा उठाकर कहीं हम दोनों भाग ना जाए इसलिए हमें इस कमरे में कैद कर रखा है। ए हीरो, हाय। Looking hot. नमस्ते हुजूर, चाय कॉफी खा ली? खाना वाना पी लिया? अब मरे हुए का मजाक मत उड़ाओ। दूल्हा कौन है, तुम या वो जोकर? दोनों किस्मत ट्राई करेंगे। हमसा, वेंकी ने तुम्हें पीछे वाले कमरे में बुलाया है। वेंकी ने? वेंकी तो उस तरफ गया है, तुम उसे पीछे वाले कमरे में क्यों बुला रहे हो? अबे सिप्पी की औलाद, वेंकी के बहाने उसे पीछे वाले कमरे में बुला के मैं उसके साथ ढाक के चिकेट करूंगा। ए, तुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? वो तुम्हारी वाइफ के साथ ढाक के चिकी करने वाला है। वो मेरी वाइफ नहीं है, मेरा बेटा भाड़े से लाया है। सर हाँ, आपको एक राज बताऊं सर? हाँ। वो मेरी वाइफ है। मुहूर्त का समय होता जा रहा है, अब अंगूठी पहनाइए। चंदू हाथ आगे बढ़ा। कम ऑन, रुके सर। भैया कौन
कौन है ये? मार क्यों रहे हैं? 20 साल तक मैंने इसे अपनी बेटी की तरह लाड़ प्यार से पाला, लेकिन शादी के दिन सबको धोखा देकर मंडप से भाग गई और अपने प्रेमी से शादी कर ली इसने। भैया मैंने उससे शादी नहीं की है। तो मैं भागी क्यों? शांत हो जाइए सर, गुस्सा थूक दीजिए। इसने भागकर बहुत बड़ी गलती की है, अब पछता रही है, इसलिए तो वापस आई है। मुझे माफ कर दो भैया। माफ तो कर दूंगा, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारी पसंद मेरी पसंद से किस तरह बेहतर है, उसके बाद माफ करूंगा। जवाब दो। जवाब ये नहीं देगी, हम देंगे। बचपन से भाई बहन साथ रहते हैं, अचानक हम उसे एक नई जगह और एक नए इंसान के साथ भेजते हैं जिसे वो नहीं जानती। उससे पूछे बगैर वो अपनी खुशी का गला घोंटकर, अरमानों को त्याग कर सिर्फ अपनों की खुशी के लिए डोली में बैठ जाती है। हम भाइयों से ये बहनें बहुत ज्यादा महान होती हैं सर, इनका दिल नहीं दुखाना चाहिए। इसे गलती का एहसास हो गया और ये अपने किए पर शर्मिंदा है। आप इसे निराश मत कीजिए, माफ कर दीजिए। हमारा फर्ज सिर्फ उन्हें पालना पोसना नहीं होता, उनके हर बुरे वक्त में उनका साथ देना होता है। भाई इस शुभ दिन पर दीदी को माफ कर दो ना, और दीदी और भरत की आपस में शादी करवा दो। जजमान मुहूर्त का समय बीता जा रहा है, अब एक दूसरे को अंगूठी पहनाइए। पंडित जी कोई दूसरा मुहूर्त निकालो। देखा, मेरी बात ना मानने का नतीजा आज उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अगर मेरे बताए हुए लड़के से यह शादी करती तो तुम्हारी बहन आज इतनी दुखी और मायूस नहीं होती। खैर जो हो गया सो हो गया, मैं भरत से बात करके उन दोनों की शादी करवा दूंगा। तुम उसे संभालो, जाओ। दीदी ये सब क्या है? दीदी पहले तुमने भैया की पसंद को रिजेक्ट कर दिया और फिर अपने लवर के साथ घर से भाग गई, फिर उससे बिना शादी के वापस क्यों चली आई? दीदी तुम हंस क्यों रही हो? तुमसे ये किसने कहा कि मैंने शादी नहीं की? तुम्हारी सगाई रोकने के लिए ये सब ड्रामा करने के लिए उसने कहा। उसने कहा? कौन है वो? मैं हूँ वो। हाँ? तुम हो? जाने अनजाने में मैंने इसे भाईजी से दूर कर दिया, दोबारा इन्हें मिलाने के लिए ये सब करना पड़ा। लेकिन शादी के बारे में झूठ क्यों बोला तुमने? देखो लॉजिक ये है, मान लो कोई स्टूडेंट एग्जाम में फेल होकर घर आता है तो घर वाले चिल्लाते हैं ना। अगर वही स्टूडेंट रोते हुए घर आए, थोड़ा सा ड्रामा करें, तो घर वाले उसे देखकर पिघल जाते हैं। इसी इमोशनल अत्याचार को मैंने तुम दोनों के भाईजी पर आजमाया। ये तो बचपन में शरारतें करता था, मैं तो अब भी शरारतों से बाज नहीं आता। देखा तुमने, उम्र बचपन की हो गई लेकिन दिल बचपन का है। ए, कम सैलरी में नौकरी एक सजा, और बिना प्रेम की शादी में कुछ नहीं मजा। एक्सपीरियंस हाँ? खजूर खबरीलाल हमारी बातें सुन रहा है, चलो बाहर चलकर उसी की खबर लेते हैं। कुछ मत बताना, मुंह पे सेलो टेप लगाना। इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा है? किसी को कुछ मत बताना। ऐसा क्या कर दिया? ये शरीफों वाले एक्सप्रेशन तुझे सूट नहीं करते। पहले तुम दोनों नौटंकी कर रहे थे, अब उन लड़कियों को भी शामिल कर लिया। अरे हम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं? तुम भी शामिल हो जाओ पार्टी। हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी है, जो मैं शामिल हो जाऊं? है बाबजी की बहन की शादी भरत से करवाने की तैयारियां चल रही हैं। अभी इसी वक्त नीचे भी वही डिस्कशन चल रहा है, ये शादी नहीं रुकेगी। दूसरी कहाँ है तू? मेरा मुन्ना, मम्मा, मेरा बाबू। करो, सामने होकर भी क्यों चिल्ला रहे हो? बहरे हो क्या? इन्हें सालों से मैंने नहीं देखा। सालों से? छोटी बच्ची थी तब देखा था, बड़ी हो गई। इन्हें तुम छोटी कैसे देख सकते हो? फोटो में देखा था। फोटो में कैसे? समझा नहीं। इन्होंने सेल्फी निकाली थी। ये नमूना कौन है? ये सिप्पी है, मेरा दोस्त। ओए माँ, तुम शोले वाले सिप्पी हो? तुमने चाय लाने में देर क्यों की? रात को आपने सोने कहाँ दिया है? क्या कहा? कैसे कैसे? ये कौन है? पत्नी। ये कौन है? ये इनकी पत्नी। अब
रुको, जरा ब्रेक लगाओ। अगर पप्पी की वाइफ ये है तो फिर पप्पी ने इसे अपनी वाइफ क्यों कहा? सुना सबने? झोले। सही बोल रहा है। ये फैमिली ड्रामा पर पानी फेर देगा। अभी जाकर किसी साउंड इंजीनियर से अपने कान का चेकअप करवा। इन्होंने इसे वाइफ नहीं कहा, इसे कहा। ओ, लेकिन ये तो इसकी तरफ लपका। हर मर्द की फितरत है औरत को देखकर लपकना। सत्य वचन। ये सैंपल कौन है तुम्हें सही बताने वाला? वेंकी, इसे पहचानो। भैया फिल्म यादों की भारत का रीमेक बना रहे हो क्या? ये तुम्हारा भाई है? ये मेरा भाई है। सौतेली माँ से जन्मे इस भाई को इस माँ ने पाला है। अब ये नया लोचा कौन सा है? तुम्हारी सौतेली माँ को उसे ढूंढने जाना चाहिए था। वो इन्हें हैंडओवर करके गई थी ना? वो लौट कर क्यों नहीं आई? रिटर्न टिकट इनके पास था ना? मैंने यहाँ थोड़ा सा झोल है, एक्चुअली पूरा झोल है। झोल बहुत कोलकाता की डिश है। तू इस वक्त नागपाड़ा में है। क्या हुआ वेंकी? बीच में मत पड़। ऐसे पे ये कौन है? मेरी मम्मी है। नमस्ते समधी जी। माँ की बचपन से ख्वाहिश थी कि आप जैसा हैंडसम समधी हो। ये बाबजी की बहनें हैं माँ। नमस्ते सासू माँ। ये लड़की बाबजी के साथ इस घर में भाड़े से रहने आई है, जल्दी इसकी शादी है। शादी के बाद भी यही रहेगी। माँ की बचपन की ख्वाहिश है कि आपकी बहन जैसी खूबसूरत लड़की उसकी बहू बने। बहुत इमोशनल है। मेरी बहनों को अपनी बेटियां समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाओ इन्हें अंदर ले जाओ। नमस्ते। क्या है? आई हैव टू डाउट्स। बोल। तुमने मेरी समझदारी को चैलेंज किया था, करेक्ट? डाउट है। बाबजी के मोटे दिमाग में ये सारी बातें घुसी क्यों नहीं है अब तक? उनसे पूछ ले। बाबजी जरा यहाँ जाने दो। पप्पी, आप पप्पी को क्यों बुला रही हो? सिप्पी है ना। भैया, बाबजी की बेटी को भगाने वाला वापस लौट आया है। सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। हमेशा डर लगा रहता है कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। आपका बेटा हमारे लिए बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है। मेरा बेटा बहुत समझदार है, उसे कोई पकड़ नहीं पाएगा। कैसे हैं सत्या भाई? आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बाप जी को भी ये विनाशी का कलश दिखाकर खुश कर देता हूँ। अरे डार्लिंग का फोन आ गया। हाय चंदू, कैसी हो तुम? अरे भैया। अरे सत्या, बैठो बैठो। क्या हाल है? डार्लिंग, मैं इस वक्त काम पर हूँ। आज मैं तुम्हारे हाथों का गर्म खाना खाने नहीं आ सकता हूँ। बाय। सर, क्या आप हैदराबाद से हो? तुम कौन हो? मेरा नाम सिप्पी है। कई दिनों से मुझे यहाँ पैरट की तरह कैद करके रखा है। पैरट को पैरट की तरह रखा है? अबे, गुड टाइमिंग, गुड राइमिंग। लोग शादी के घर में मिठाई की थाली लेकर आते हैं, आप मिनी मटकी लेकर आए? इस कलश में अस्थियां हैं, बाबजी के लिए। बाबजी के पिताजी की राख है? नहीं रे, चंदू के लवर की। इसमें तो डिओड्रेंट की खुशबू आ रही है। लवर डिओड्रेंट का भी लवर था। चंदू तो बाबजी की सिस्टर का नाम है ना? हाँ। आपने उसके लवर को मारा? हाँ, मैंने। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। आजकल उस लवर का भूत यही है। ऐसा क्या? ए, संभाल कर रख वहाँ। वो हमारे घर में क्या कर रहा है? वो तुम्हारे घर में नहीं है, बल्कि इस वक्त तुम उसके घर में हो। मैं कहूँगा तो बाबजी विश्वास नहीं करेंगे। तुम उनके आदमी हो, तुम बताओगे तो वो जरूर विश्वास करेंगे। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने पहले कहा था कि मैंने उसका मर्डर किया है, तो भैया ने खुश होकर मुझे गोल्ड चेन गिफ्ट में दी थी। अगर उन्हें पता चला तो ये चेन वापस ले लेंगे। नहीं, चेन के लिए गला नहीं बचेगा। ये घर काफी अच्छा है। हाँ, यहाँ आते ही नीतू भी लौट आई। भरत से इसकी फिर से शादी होने वाली है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से बहुत अच्छा है ये घर। वैसे ये घर है किसका? अरे अपने वेंकी का, बहुत अच्छा लड़का है। रुको, मिलवाता हूँ। बंटी, वेंकी को बुलाओ। पता नहीं है बंटी कहाँ चला गया। वेंकी के अंदर जाने से पहले भैया को बाहर लाना होगा। हेलो, कबाड़ी दास बोल रहा हूँ। तेरा दिन खत्म। क्या बकरा बे? ए सत्या, कहाँ जा रहे हो? बकरा नहीं हूँ मैं, बकरा कसाई के पास मिलता है। मैं तेरू तुझे कच्चा दवा जाऊंगा, समझा? तू वहीं रुकाता हूँ तेरी फाड़ने के लिए। अरे तू क्या आएगा?
तू जैसा डरपोक तो घर में छुप कर ही बैठा रह सकता है। काट के रख दूंगा तेरे को। चाकू लेके आना। सत्या, कोई टेंशन वाली बात है क्या? एक अर्जेंट काम है, मैं दो दिन में आ जाऊंगा। तुम शादी तक रुकने वाले थे ना? सीरियस मैटर है। सीरियस मैटर क्या हुआ? अरे बताओ। टेंशन मतलब भाई, मैं संभाल लूंगा। कहाँ जा रहे भैया? कबाड़ी दास से मिलने। पर क्यों? वो फोन पर बहुत हार्ड बोल वचन कर रहा था। मैं तो कह रहा हूँ उसको छोड़ना नहीं भैया, उसका गेम बजा के ही दब लूंगा। मेरा काम तो बन गया भैया, उस कबाड़ी दास के भागने से पहले उसे पकड़ना होगा। बैठिए बैठिए बैठिए, जल्दी ड्राइवर, जल्दी गाड़ी चला, जल्दी। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? छी, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी तूने। इसकी वजह से किसी को मुंह नहीं दिखा सकते हम। मैंने आपको कहा था वहां तुम्हारे बारे में सीरियस डिस्कशन चल रहा है और तुम यहाँ हो मेरे बारे में। जाओ, तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। जान से मार दूंगा तुम्हें। सर सर, ये आप क्या कर रहे हैं? इसने दोबारा मेरा विश्वास तोड़ा है। ये बिना शादी किए प्रेग्नेंट है। भाई, दीदी प्रेग्नेंट है ये बात भरत को तो मालूम नहीं है, इसलिए दीदी को भरत के गले डाल देते हैं। साले साहब, आप मुझे धोखा देना चाहते हो क्या? भरत, अभी दीदी की शादी नहीं हुई है। घर लुट जाने के बाद उस पर ताला लगाने का क्या सेंस बनता है? नहीं करनी मुझे शादी। अरे कहाँ जा रही हो? मैं मरना चाहती हूँ, मुझे जाने। पागल हो गई हो? मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगा। अरे कैसे होगा ये? लड़का कहाँ ढूंढोगे? इसी घर में है। बुरा मत देखो, वो रहा, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। सीता प्रसाद रामशंकर भैया, मर्यादा पुरुषोत्तम है मेरा भाई, नारियों की बहुत इज्जत करता है, मेरी बात कभी नहीं डालता। मैं आज तुमसे आग्रह करता हूँ, इनकी ज्येष्ठ बहन से विवाह कर ले। आप कहें तो अपने प्राण त्याग दूं। थैंक्स ब्रो, क्या आप मेरे भाई से शादी करने के लिए तैयार हैं? अगर भैया राजी हैं, तो मैं भी तैयार हूँ। लड़का लड़की दोनों तैयार हैं, आप क्या कहते हैं? सारी दुनिया को इस शादी के बारे में क्या बताऊंगा। सर, एक आइडिया है। सबको कहना कि मेरा भाई आपकी बहन का लवर है। आप सबसे कहना कि आपको ये रिश्ता मंजूर है, इसलिए आप दोनों की शादी करवा रहे हैं। आपको बदनामी से डर है तो आप कह देना कि आपकी बहन की किडनैपिंग भी मैंने करवाई थी। वेंकी, वेंकी। हाँ सर, आपके घर की इज्जत मेरी भी तो है भाई। वेंकी प्लानिंग करने में करमचंद का भी बाप है। ओके, यही कहानी सबको बताएंगे। ओपनिंग इससे करते हैं। ए सीपी, इधर आ। क्या बात है सर? तुम जानते हो मेरी बहन किससे प्यार करती थी? किससे? इस लड़के से। सर, जानते हो मेरी बहन को मंडप से भगाने वाला कौन था? कौन था सर? अरे वेंकी था। सर सर, यस सर, एग्जैक्टली यही हुआ था। कोई भी पूछेगा तो यही स्टोरी बताना। स्टोरी? स्टोरी नहीं है ये सर, कोई बहुत बड़ा झोल है। मैं कह रहा हूँ, समझा दे इसे। क्यों समझ रहे हैं सर, ये स्टोरी? अरे चल। बाबजी सटक गया क्या? बाबजी के सामने नीतू के प्रेग्नेंट होने का हमने ड्रामा करवाया और आनंद के साथ उसकी शादी सेट की। लेकिन उनकी तो शादी हो चुकी है। ये तुझे मुझे पता है, उन्हें थोड़ी ना पता। गुरुजी, केवल आपकी खोपड़ी नहीं, पूरा शरीर दिमाग से भरा है। ये सब तो ऊपर वाले की मेहरबानी है। जेब बात। सर, सिप्पी का डाउट क्लियर हो गया। वेरी गुड, सारी उलझने सुलझ गई हैं। इसी खुशी में सिप्पी पार्टी दे रहा है। सिप्पी बिल भरेगा ना? आखिरकार भैया मान ही गए, भगवान की दया से सब कुछ ठीक हो गया। बेटा, अब कोई ड्रामा मत करना इससे शादी करने के बाद। उसके लिए भी प्लान बनाना पड़ेगा। इस बार कोई प्लान नहीं। पर वेंकी, थैंक यू वेरी मच। किस लिए सर? पहले हम तुम्हारे घर में आए, बाद में तुम हमारी जिंदगी में। सब कुछ अच्छा ही हो रहा है इस घर में। ये इस घर के वास्तु का कमाल है। अगर मैं इसका कन्यादान ना कर पाता तो मुझे बहुत अफसोस होता। सिर्फ तुम्हारी वजह से ये सब हो पाया। भगवान से मुझे और कुछ नहीं चाहिए। साले साहब, मैं अभी यहां से वापस जा रहा हूं। भरत, अरे कहां जा रहे हो? मैं अमेरिका में ही खुश था। आपके रुतबा और अच्छी रेपुटेशन की वजह से मैंने घर जावाई बनने का सोचा, पर मेरी हैसियत धोबी के कुत्ते जैसी हो गई, ना घर का ना घाट का। ऐसा क्यों बोलते हो? देखो, तुमने तो मेरी हर बात मानी है।
तो तुमसे किया हुआ वादा मैं भला कैसे तोड़ सकता हूं। नीतू से ना सही लेकिन चंद्रकला से तुम्हारी शादी जरूर होगी। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो ये शादी फाइनल। श्री सैलम में हमारे कुलदेवता का मंदिर है, उस मंदिर में ही शादी करवाऊंगा इन दोनों की। तू बहुत लकी है। पर क्यों? एक्सचेंज ऑफर में छोटी बहन मिल गई। अरे एक मिनट, शायद मैं अंदर पर्स भूल आया। एक मिनट हाँ, मैं अभी लेके आया। ओके। कमाल है, बिल तो मैंने दिया तो फिर इसका पर्स कैसे अंदर रह गया? तुम्हें पर्स की चिंता हो रही है, हमारी शादी की नहीं। ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे तुम्हें कुछ नहीं पड़ी। पता है कल रात से हमारी शादी को लेकर मैं कितनी परेशान हूँ। कूल कूल, टेंशन किस बात का चंदू, हमारे पास पूरे 24 घंटे हैं। वो क्या है ना, प्रॉब्लम जब बड़ी होती है तो मेरा छोटा दिमाग बड़ा बड़ा सोचता है। कोई ना कोई प्लान बना लूंगा। कोई प्लान बनाने के बजाय सीधा भरत का मर्डर ही कर डालो, सारी लाइनें क्लियर हो जाएगी। तुम्हारी काली जबान थी तो क्लाइमेक्स तक वेट क्यों किया, इसे पहले टपका देती। चंदू मैं शादी कर रहा हूँ तुमसे, इसलिए केशव रेड्डी के आदमी मुझे मारना चाहते हैं। तेरी शादी में वेंकी रोड़ा बन रहा था ना, मैंने उसे मारने के लिए आदमी भेज दिया है। चंद्रकला को शक ना हो, इसने पहले तुम पर अटैक करेंगे। किसी भी कीमत पर उससे शादी करके घर ले आना। उस बाप जी को अपने पैरों में गिराकर मैं अपने तलवे चटवाऊंगा। शादी होने तक किसी को पता ना चले कि मैं तेरा बाप हूँ। इस शादी के बाद शहर पर हमारा राज होगा। ये बाप जी का आदमी है भैया। हे, मारो उसे। मैं जानता हूँ भरत तुम्हारा बेटा है। हथियार हटाओ। ये क्या बकवास है? बकवास नहीं, भरत तेरा बेटा है, ये बात सिर्फ मुझे नहीं बाप जी को भी मालूम है। शादी के बहाने वो तेरे लाडले बेटे को श्री सलम ले जाकर खत्म करेंगे। मैं तेरी बात पर यकीन क्यों करूं? खुद फोन करके पता कर ले। फोन स्विच ऑफ आ रहा है ना, तेरे बेटे का फोन बाप जी के पास है। जल्दी जा वरना उसकी लाइफ भी स्विच ऑफ हो जाएगी। वेंकी क्या बात कर रहे हो तुम? मतलब भरत केशव रेड्डी का बेटा है? हाँ चंदू। चलो मेरे साथ, भैया को बताते हैं, ये शादी नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं, जब तक वो अपनी आंखों से नहीं देखेंगे उन्हें यकीन नहीं होगा। मतलब रास्ते में केशव रेड्डी और उनके आदमी भाईजी पर हमला करने वाले हैं, उन्हें बचाने के लिए मैं एंट्री मारूंगा। सर, कोई इस जंगल में अचानक हम पर हमला करेगा तो? सिप्पी अपनी काली जबान बंद रख और टेंशन मत ले। मेरे टेंशन की परवाह कौन करता है यहाँ? सर वहां देखिए सर,
विलन्स ने जरूर कोई जाल बिछाया है। उस आदमी की आंखें देखिए सर। अरे वो कोई चरवाहा लगता है, चलो लेफ्ट से चलते हैं। लेफ्ट नहीं, राइट की तरफ मोड़ो, राइट ले लो। ए, डर गया ये सारा, तुम लेफ्ट से ले लो। केशव रेड्डी, रास्ते से हट जाओ। अपनी बहन की शादी से पहले खून खराबा नहीं चाहता। ए बाप जी, पहले मेरे बेटे को मेरे हवाले कर। बेटा? नहीं तो तुम सबकी लाशें गिरा दूंगा। क्या, तुम्हारा बेटा कौन है? ए, बहुत हो गया। मैं तेरा प्लान अच्छी तरह जानता हूँ। तू मेरे बेटे को श्रीशैलम में मार देगा। ए, अगर तेरा बेटा मेरे पास होता तो अब तक उसे मार चुका होता मैं। ए, मैं जानता हूँ कि तू मेरे बेटे को जानता है। बेटा, 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 अरे है कौन तेरा बेटा, बता। देख कर समझ आता है कि आप दोनों कितने बड़े बेवकूफ। अरे तार जितने लंबे हो लेकिन अकल बिल्कुल नहीं है। इतने दिनों से आपकी बैंड बज रही है लेकिन बैंड मास्टर का पता नहीं। सिप्पी, यू शट अप, ये सब तेरी वजह से हुआ है। आपको शादी वाली कहानी क्या स्टोरी लगती है? ये दोनों पहले से शादीशुदा हैं। यहाँ तक कि ये इसका भाई भी नहीं है। ये इतने दिनों से आपको उल्लू बना रहा है। दामाद जी की तो कौन दामाद, किसका दामाद? ये दोनों सगे मियाँ बीवी हैं। ये इकलौती है, दूसरी तीसरी कोई शादी नहीं हुई पप्पी की। और तो और ये दोनों वेंकी के ओरिजिनल माँ बाप हैं। ए आइटम, तू इधर आ। ये अपने आप को हीरोइन मानने वाली आइटम को बताओ। मेरी हाइट को मैच करने के लिए हमेशा सर झुका कर रखती है। लोगों के लिए बेबी डॉल सोने दिए पर मेरी वाइफ है। इस वेंकी ने अपना खुद का प्यार पाने के लिए ये सब नौटंकी की। हमेशा एक ही एक्सप्रेशन होता है, कब समझेंगे आप? तेजे में कुछ भी नहीं कोई बात। तुम्हारी छोटी बहन और ये वेंकी कब से गुटर गुटर कर रहे हैं कबूतर की तरह, और अब तक तो चोंच भी मिला चुके हैं। बकवास बंद कर। अरे तू क्यों बीच में चोंच मार रहा है? इतनी बड़ी मूंछ उगा कर रखी है, थोड़ी अकल नहीं उगा सकते थे? यूज़लेस नॉनसेंस फेलो, वेंकी के कहने पर यहाँ आया और खुशी से उछल रहे हो? अपने बेटे की पोल खोल दी तुमने, इडियट, बेवकूफ, गधे। ओए, ए सिप्पी, सोच समझ के बात कर। भरत इसका बेटा है, पूछो। वेंकी ने रेड्डी को हम पर अटैक करने को कहा। पकड़ो उसे। संतोष, चुपचाप भरत को छोड़ दो, वरना वरना काट डालूंगा इसे। जल्दी छोड़ दो इसे। बहुत बढ़िया। मैं तुम्हारी बहन को अपने घर की बहू बनाकर उसे टॉर्चर करना चाहता था ताकि तुम्हें अपने पैरों में गिरा सकूं, पर इसने उसे बचा लिया। सोचा छोटी बहन को बहू बनाऊं, तब भी वेंकी बीच में आया, दोनों बहनें बच गई। ए, तू मुझे बेवकूफ समझता है? मुझसे अपने ही बेटे का नाम बुलवाकर उसे मरवाना चाहता था? मैं आज ही इन दोनों की शादी करवाऊंगा, जो करना है कर ले। क्या रे डायरेक्टर, सीरियल के पहले ही सीन में इतना बड़ा एक्शन सीन रख दिया? सीरियल खत्म होते होते प्रोड्यूसर कंगाल हो जाता है, इसलिए बजट को ध्यान में रखकर मैंने एक्शन पहले सीन में ही रख दिया। तो सीन सुना बे। फाइल ला रे। विलन, आपकी बहन को गाड़ी में भगा कर ले जा रहा है। आपको गाड़ी के सामने आकर उसे रोकना होगा। सीन में फुल इमोशन है यार। सिस्टर के कैरेक्टर के लिए जूनियर बुलाइए ना। वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन विलन का रोल बॉम्बे का पुराना स्ट्रगलर कर रहा है। मेरे कैरेक्टर का नाम क्या है? तंबू, 6 फुट का एटम बम्बू। नाम में पंच है, पंचर कर देगा। ए, इसे चुप कराओ। We'll be right back.
Hey, कौन है बे तू? जंगल में रहने वाली बनरिया से पूछ, नदी में रहने वाले मेंढक से पूछ, गन में रहने वाली बुलेट से पूछ, वो मेरा परिचय देंगे। क्या चाहता है तू? चुपचाप मेरी बहन को मेरे हवाले कर दे। है? तेरी बहन? इतना भी नहीं पता, कैमरे की तरफ देख के डायलॉग बोलते हैं। मेरी बहन तेरी गाड़ी में बैठी है। ए, वहाँ देख के किससे बात कर रहा है? मैं चाहे किसी भी तरफ देखूं, मेरी बहन मुझे लौटा। हट जा वरना काट दूंगा। मैं नारियल या सिर का बाल नहीं हूँ जो आसानी से कट जाऊं। बॉम हूँ, 6 फुट का जीता जागता बॉम। लगता है कुछ पागल है। हे हाँ भाई, इसे दिखा असली बॉम क्या होता है। ये ले पकड़। जब तक पिन नहीं निकालोगे तब तक बॉम नहीं फटेगा। दिवाली के सुतली बम से मुझे डरा रहे हो? बम बनाने में जो पोटेशियम लगता है वो मेरे बगीचे में उगता है। अमोनियम रोटी में छुपाड़ कर खाता हूँ। फास्फोरस, उससे मैं दांत साफ करता हूँ। अब टेल मी गुंडे, व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू। hey, मेरा रास्ता छोड़ नहीं तो तेरी बहन मारी जाएगी। Hey, छोड़ दे उसे। वेंकी, छोड़ो मुझे। ये कौन है? मेरा तो सोलो सीन था। हेलो, कौन है भाई तू? अचानक सीन में एंट्री करके पूरा सीन खराब कर दिया। ऐसा काम प्रोड्यूसर का बेटा कर सकता है, एक्टर नहीं। hey! Hey, चुप कर, ये मेरे पेट पे लात मार रहा है और तुझे सीन की पड़ी है। सुन भाई, बेकार में पंगा मत ले, दूसरे सीरियल में काम दिलवा दूंगा, पढ़े लेके निकल ले। खुद को हीरो कहता है तो जाकर फाइट कर। पकड़ो नहीं। अरे बाप रे, उसकी बम की तरह आया और धमाका करके चला गया। हीरो वो है कि मैं हूँ? मेरे सीरियल में मेरे जीते जी और कोई हीरो नहीं बन सकता। ए, रोक! तू मिल्खा सिंह के खानदान से है क्या? अबे पहले कैमरामैन को तो आने दे। फर्स्ट टाइम एक्शन सीरियल मिला है मुझे। मैं हीरो हूँ और मुझे कोई बीट नहीं कर सकता। छोड़ दे मेरी बहन को, छोड़ दे मेरी बहन को। फाइटर्स के आने से पहले मेरी बहन को छोड़ के साइड में हो जा। हीरो है तो एक्शन सीन कर। एक्शन सीन करना एकदम आसान है। उसने लड़की को बचाकर अपनी हीरोगिरी दिखाई है और तू विलेनगिरी दिखा रहा है इस हीरो के सामने। चाहे तुझे पता नहीं है सीन क्या है, ये मेरे साथ जाएगी। मर गया, अरे हड्डी टूट गई, बचाओ। मर गया। भाई जी को खुश करने के लिए तुझे पुश किया। मेरी यही मत। इसी तरह ओवर एक्टिंग करती रहो, तुम्हारा भाई पिघल जाएगा। ग्रेट, इतने दिनों से सबको धोखा दिया है, आज रिस्क उठाकर सारे पाप धो लिए। बहुत चालाक निकले तुम वेंकी, इसकी सजा तुम्हें बराबर मिलेगी। जिंदगी भर तुम गुलामी करोगे मेरी इस प्यारी बहन की। मंजूर है ना चंदू? खुश। ओ!
ये खाई तो बहुत छोटी है, उल्लू बनाया फिर से। सुनो, आज मैं पहली बार कंफ्यूज नहीं हूँ। क्यों? अगर हमारे पास एक चीज हो तो बाबजी क्या भगवान को भी जीत सकते हैं। वो क्या सिपी? तेज दिमाग। मैंने सोचा ये फिल्मी फाइट है, पर ये तो असली फाइट से भी ज्यादा खतरनाक निकली। डायरेक्टर ने मरवा दिया। एक इसका फोन आया। बाप रे, हेलो। पिघलता बबलू बोल रहे हो? नहीं, पिघलता बबलू बोल रहा हूँ। मुँह से निकल गया, आप कौन बोल रहे हैं सर? एक्शन डायरेक्टर बब्बू लाठी। सर बताइए सर। एक बड़ी एक्शन फिल्म में तुम्हें मार खाने का एक बड़ा रोल देना चाहता हूँ। सर, एक्शन की मेरी औकात नहीं है, मैं कॉमेडी में ही खुश हूँ।